Hi, dear CS executive students. So I just conducted my CA, Chartered Accountancy class, and all these amendments pertaining to limited liability partnership, also pertaining to the definition of small company, are applicable to you for your December 2023 exams. So aap bhi ye lecture se go through karo, this will definitely help you. Everyone, ek bahut bada issue tha hamari country mein, ki hamari country mein partnership act to thi. बट पार्टनरशिप आप जो बना सकते हो उसके रिस्ट्रिक्शंस थे. सबसे पहले तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, जॉइंट एंड सेवरल, वो सबको मालूम ही पड़ गया. दूसरा, ये कंपनी एक्ट बोलती है कि कोई भी एंटिटी में अगर 100 से ज्यादा लोग हैं, इट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी. इनडायरेक्टली स्पीकिंग, पार्टनरशिप कैन नॉट हैव मोर देन 100 पार्टनर्स. पहले पहले तो 20 था ये लिमिट, 20 एंड 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस, 20 पार्टनर्स बस, दैट्स इट. तो यार मुझे अगर ग्रो करना है तो मैं कैसे करूं? सो ये सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है, दैट 100 के ऊपर अगर मेंबर्स आपके होने वाले हैं, यू मस्ट गेट रजिस्टर्ड एज एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, मतलब कंपनी. नंबर टू, कंपनी मिसलेनियस रूल्स बोलते हैं कि 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते. तो यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते. उसके अलावा अगर मुझे पार्टनरशिप फर्म खोलनी है तो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होगा. मतलब अगर मेरा या मेरी पार्टनर, मान लो अश्विनी हुई, और अश्विनी पैसा से लेके भाग गए 2-3 करोड़, तो यार लोचे तो मेरे इधर हो जाएंगे. मुझे घर बार बेच के 2-3 करोड़ का लायबिलिटी पे करना पड़ेगा. अगर मेरे पार्टनर ने टॉट कर दिया तो मैं भी टॉट के लिए लायबल हूँ, मुझे पेमेंट्स करने पड़ेंगे. ये सारे इश्यूज थे. और एक ये इशू था कि जो कम्युनिटी है, कौन सी कम्युनिटी? प्रोफेशनल्स की, CA, CS, CMA, एडवोकेट्स एंड एक्चुअरीज एंड आर्किटेक्ट्स. यार ये लोग सबने बोला कि इफ यू वॉन्ट टू ग्रो, इनकेस यू डिड नॉट नो, इफ यू वॉन्ट टू बी एन अटेस्टिंग CA, CS और CMA और एडवोकेट, देन यू मस्ट ओपन आइदर सोल प्रोप्रेटरशिप और पार्टनरशिप. सोल प्रोप्रेटरशिप में तो स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, एक अकेला पर्सन कितना काम करेगा. तो पार्टनरशिप जब खोलोगे और सीए की प्रैक्टिस है, सीएस की प्रैक्टिस है, लॉ सीएमए की प्रैक्टिस है, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकम्स अ हिंडरेंस. यू कैन नॉट ग्रो योर फर्म अप टू कॉर्पोरेट लेवल. एवरीवन, ये इशू था, दिस वाज द इशू, दिस वाज द मुद्दा. जरा लाइट्स और फैन डाउन कर देना, बस बस बस. तो ना जो पिलर वाली लाइट्स बंद कर देना जरा. सब कर दो, ऑफ कर दो, कुछ नहीं होने वाला. हाँ, तो एवरीवन ये मुद्दा था, दिस वाज द इशू. एंड प्रोफेशनल्स ने प्रोटेस्ट किया, बिजनेस कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया, दैट वी नीड एन एंटिटी. हमें एक टाइप की एंटिटी चाहिए जो कंपनी ना हो, जो पार्टनरशिप हो, बट पार्टनरशिप में रह के कंपनी का लुत्फ हम उठा सके. आपको तो बहुत अच्छे से मैंने सी लॉ सिखाया हुआ है, आपको तो पता ही है, सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्वेंट. कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन एंड ओनर्स आर सेपरेट. इन द सेम वे यू कैन ओपन अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप. इन दिस पार्टनरशिप यू विल गेट बेनिफिट्स ऑफ कंपनी एंड बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप बोथ. देयर इज म्यूचुअल एजेंसी, बट देयर इज नो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, नो अनलिमिटेड लायबिलिटी. यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स. अगर दूसरे पार्टनर ने कुछ काम किया विच इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, सच एज इट इज बोनाफाइड एक्टिविटी, देन द फर्म इज लायबल, एंड फर्म इज लायबल अप टू द एसेट्स ऑफ द फर्म. अगर आपने फर्म में एसेट्स ही नहीं डाले, आपने 1 लाख रुपया डाला है, तो लायबिलिटी कितना आ सकता है? मैक्सिमम 1 लाख का आ सकता है, बाकी का आपको पे करने की जरूरत नहीं है. हाँ, इफ देयर इज फ्रॉड, आपको पर्सनली घर से पैसे लाने पड़ेंगे. वो तो कंपनी में भी होता है, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील. यस और नो एवरीवन? अदरवाइज यू कैन रोम स्कॉट फ्री. कुछ जरूरत नहीं है लाइबिलिटीज पे करने का फ्रॉम पर्सनल मनी. जितना फर्म पे कर सकती फर्म पे करेगी, डिसॉल्व होगी. तो अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज ओके एवरीवन? सो हमें भगवान का संदेश आ चुका है कि ब्रेक का टाइम है, तो हम अभी ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? एंड देन वी विल पिक अप. ओके, थैंक यू एवरीवन, वी आर ऑन ब्रेक. डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू LLP. आप लोगों को ये पूरे नोट्स बना के लेने पड़ेंगे, ठीक है ना एवरीवन? काफी सारे तो मैंने लिखा के दे दी, बट इसमें ऑफकोर्स एवरीथिंग नहीं है. एग्रीड?
चलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। दिस इज ओके एवरीवन। सो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में कंपनी तो आती है, बट कंपनी आउटसाइड इंडिया भी आती है, LLP इन इंडिया भी आती है, LLP आउटसाइड इंडिया भी आती है। सो LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। और मेरा बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्वेंट आ रही है, सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्वेंट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, एक्सेट्रा। बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में क्या नहीं आता? अ कॉर्पोरेशन सोल, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बींग डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। बिजनेस मतलब कि क्या? एवरी ट्रेड प्रोफेशन सर्विस एंड ऑक्यूपेशन। हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब बकरा, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब बकरा, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब बकरा। इन LLP देयर इज द स्पेशल कंसेप्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर क्वाइट इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर इन अ कंपनी। कंपनी का शेयर होल्डर लायबल है क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अगर AGM नहीं किया तो मेरे को नोटिस आएगा, एडीसी की वाला शेयर होल्डर, आपकी कंपनी ने क्यों AGM नहीं किया? क्षितिज है ना, क्यों ना मेरे को नोटिस नहीं आएगा क्या? ये स्किल मुझे भी सिखाओ स्टूडेंट्स। जब मेरी वाइफ और मेरी मां बड़बड़ करते हैं, आई वॉन्ट टू लर्न दिस स्किल दैट फिजिकली आई एम हेयर बट मेंटली आई एम डांसिंग ऑन द रिंग्स ऑफ यूरेनस। मतलब आई कुड सी इट इन योर फेस। सना सना देखो अनकंट्रोलेबली हंस रही है। नहीं मैडम यार, आई नो लाइफ में बहुत प्रेशर है, स्ट्रेस है, बट जरा दो मिनट ध्यान दे दो। और देखो मैं एकदम इम्पैक्टफुल तरीके से इजीली सिखा सकता हूँ, बिकॉज आई हैव दैट नॉलेज, तो लेट अस यूटिलाइज इट। ठीक है ना एवरीवन? तो बोलो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है बकरा। जैसे कंपनी में कौन लायबल है अगर कंपनी को ठीक से आपने गवर्न नहीं किया? डायरेक्टर। वैसे अगर LLP ने एनुअल रिटर्न नहीं भरा, LLP ने ऑडिट नहीं किया, तो कौन लायबल है? नॉर्मल पार्टनर नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डिड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एवरीवन? इक्विवेलेंट टू डायरेक्टर इन अ कंपनी। अब जो डायरेक्टर का DIN होता है, वैसे डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी DIN होता है, एक्चुअली DPIN होता है, DP डेजिग्नेटेड पार्टनर IN आइडेंटिफिकेशन नंबर, बट इफ यू हैव अ DIN लाइक आई डू बिकॉज आई एम अ डायरेक्टर इन कंपनीज, तो आई डोंट हैव टू टेक DPIN फ्रॉम MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, माई DIN इज वैलिड। थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्या समझ में? DIN पता है ना आपको, एवरी डायरेक्टर मस्ट हैव, अदरवाइज यू कैन नॉट बिकम डायरेक्टर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखाओगे अभी? जस्ट मेरे को आया मैसेज, ये देखो देखो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, ये कहां से आया देखो, MCA.gov.in बराबर है, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ DIN 0884867। ये मेरा DIN है, कल्लका एडी सिंह, ये देखो मेरा DIN है। सो इफ आई हैव अ DIN आई डोंट नीड DPIN, बट इफ आई डोंट हैव DIN आई हैव टू गेट DPIN, और वो DPIN इज जस्ट लाइक आधार कार्ड, उससे आपको पकड़ सकते हैं। लॉजिक समझा क्या? इट इज लाइक आधार कार्ड और आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे आप वो डायरेक्टर को पकड़ सकते हो या DP डेजिग्नेटेड पार्टनर को पकड़ सकते हो। सो बोलो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है? बकरा। कौन है? बकरा। और वो डेजिग्नेटेड अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या? थोड़ा टाइम में हम नीचे जाने वाले, ऑलरेडी आपने लिख के ले लिया है, नहीं शॉर्ट में नोट्स बताए थे मैंने। सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड। ओके चलो मैं आगे चला गया। एंटिटी, एंटिटी मतलब कि बॉडी कॉर्पोरेट, इट इंक्लूड्स ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47... याद नहीं रख सकते, अ फर्म सेट अप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फाइनेंशियल ईयर, सो फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 April to 31 March। मैं आगे चला गया एवरीवन, अगर LLP इनकॉर्पोरेट हुई 15 अक्टूबर को, तो फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? 15 October to 31 March कैन बी आस्क्ड इन वन लाइन MCQ। ठीक है ना एवरीवन? वन लाइन MCQ, आंसर इन वन वर्ड। आई कैन आस्क यू अ नाइस 5 mark क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड, एंड आई विल आस्क यू वेरियस चैप्टर के क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, जो आज तक कभी पूछा नहीं, कैन हैपन दिस टाइम।
आपको याद है मैंने लॉ के पेपर में कैसे कीड़े किए थे? मैंने लिखा था वार्निंग उधर कि ये पैटर्न नहीं है, मैंने क्वेश्चन डाला था ना यहाँ, ताकि मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकूं। एक की जगह पांच पूछ लिया ना मैंने। हाँ, वेरी गुड। यस, और इनकम टैक्स एक्ट के तहत असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर आर ऑलवेज 1 अप्रैल to 31 मार्च, बट LLP का फाइनेंशियल ईयर अगर 15th अक्टूबर को हम इनकॉर्पोरेटेड है तो 15th अक्टूबर to 31 मार्च। ओके ना एवरीवन? फॉरेन LLP मतलब रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच इज हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वैसे ही फॉरेन LLP रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। LLP मतलब LLP अंडर दिस एक्ट, LLP एग्रीमेंट मतलब कि रिटन एग्रीमेंट। हाउएवर पार्टनरशिप एग्रीमेंट अंडर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटन और इवन इम्प्लाइड, बट यहां पे सिर्फ रिटन। फर्क समझ में आया? बिटवीन द पार्टनर ऑफ LLP और बिटवीन द LLP एंड पार्टनर विच डिटरमाइंस द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। पार्टनर, पार्टनर मतलब एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन LLP एज पर द LLP एग्रीमेंट। Non-applicability of Indian Partnership Act, Indian Partnership Act, except as otherwise provided. कुछ situations में Partnership Act applicable है, but otherwise not applicable to LLP, क्योंकि LLP की LLP Act है। अगर LLP Act silent है कोई चीज में तो Partnership Act apply हो सकती है। This is okay everyone? जैसे कि छोटा सा example देता हूँ, rights and duties दिया है Partnership Act में, carry on the business to the best of your ability and with due diligence, याद आ रहा है क्या आपको? वो अगर ये एक्ट में मेंशन नहीं है, क्योंकि ये एक्ट काफी प्रोसीजरल और पॉइंट वाइज है, तो अगर ये एक्ट में मेंशन नहीं है तो रेफर टू पार्टनरशिप एक्ट, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी बिटवीन पार्टनर। जस्ट बिकॉज योर LLP डज नॉट मीन यू आर नॉट पार्टनर्स, यू आर पार्टनर्स ना, तो पार्टनरशिप एक्ट का राइट्स एंड ड्यूटीज आपको अप्लाई हो सकता। ठीक है ना एवरीवन? ओके, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड पार्टनरशिप एक्ट विल नॉट अप्लाई टू LLP। तो आपको कंबाइंड रीडिंग करना है और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट होगा। ओके, बट हाँ, अभी LLP टॉक्स अबाउट रिटन एग्रीमेंट, तो यू कैन नॉट से कि इंप्लाइड एग्रीमेंट पार्टनरशिप लॉ में दिया। नो नो, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू LLP ना। ओके, एंड LLP एक्ट एंड गवर्नेंस ऑफ LLP फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। ओके, दैट यू शुड अप्रिशिएट। पार्टनर्स सेक्शन 5, बोलो कौन होते हैं पार्टनर? Any individual or body corporate may be partner in LLP. However, following लोग partner नहीं हो सकते, case study में पूछ सकते आपसे। Section 5. Have you written section 5? No, we started with section 6. So better write section 5. लिख दिया section 5 आपने? No. लिखो ना सर, कहाँ लिखना है? किधर भी लिखो यार, किधर, जिधर नए पेज पे लिखो, एक्स्ट्रा स्टिक नोट चिपकाओ, दूसरे पेज लेके चिपकाओ, जिधर लिखना लिखो, जो राइट डाउन। ये देखो मैंने भी लिख दिया, आ आ ओ, देखा कितना फास्ट लिखता हूं मैं। ये कौन हमिंग कर रहा है? कौन हमिंग बर्ड बन गए? आर्यन, पता नहीं कोई विचित्र आवाज निकलते रहते। अच्छा, लॉकिंग वॉकिंग किया आपके इंस्टीट्यूट ने? राइट क्लिक करके कॉपी नहीं होता है ना। ये देखो एवरीवन, मैंने तो टाइप कर दिया, बट आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। काफी फास्ट टाइप किया मैंने। नहीं, मेरे को बताना कौन पार्टनर हो सकते हैं? इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। सर, बॉडी कॉर्पोरेट कौन होते हैं? रेफर अबव, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, दिस एक्ट आर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, बराबर है? बट कौन नहीं हो सकते मुझे बताना। अनसाउंड माइंड, पर आमकथा मत लिखो। अ पर्सन हु हैज बीन फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। अरे भाई, ऑफ कोर्स बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन यार, ऑफ कोर्स। ठीक है, सिर्फ अनसाउंड माइंड लिखने का, ठीक है, बी स्मार्ट यार। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब कि क्या? अभी तक उसका जो प्रोसेस होता है, ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, उसने ऑफिशियल असाइनी ने अभी तक इसके एसेट बेच के नीलामी नहीं की है, ठीक है, अनडिस्चार्ज्ड है। ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, एप्लीकेशन इज पेंडिंग। नंबर वन,
नंबर टू अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, नंबर थ्री दे अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग. ये लोग पार्टनर नहीं है, साथ है. सिर्फ जितना हाईलाइट किया उतना ही लिखना है, बाकी राम कथा नहीं लिखनी है. ओके, सेक्शन फाइव बाय हार्ट करना है क्या? ये इंटर और फाइनल में यूजफुल होगा क्या अपने को? फाइनल में वेफ होगा. ओ भाई, पूरा कॉर्पोरेट लॉ, एलएलपी, ये सब फाइनल में भी आते हैं क्वेश्चंस इसके. हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो चले आगे. नेक असर्ट मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. तो सुनिए, मिनिमम पार्टनर वेदांत बताएगा कितने होते हैं. टू पार्टनर्स. नॉर्मल पार्टनरशिप मिनिमम पार्टनर्स टू, मैक्सिमम 100 एज पर कंपनी एक्ट, 50 एज पर कंपनी एक्ट रूल्स. नलायको निकमो, बेशर्मो, तुम्हें शर्म वरम आती है कि नहीं? 100 एज पर कंपनी एक्ट सेक्शन 464 एंड कंपनी मिसलेनियस रूल्स 50. ओके, एलएलपी मिनिमम टू मैक्सिमम अनलिमिटेड, मिनिमम टू मैक्सिमम अनलिमिटेड. दैट रूल स्टैंड्स फॉर एवरी बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी. ओपीसी फॉल्स अंडर प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, बट नॉर्मल कंपनी के, जिसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं, विच इज नॉट प्राइवेट, मतलब पब्लिक कंपनी, कितने? अनलिमिटेड. एलएलपी अनलिमिटेड. भारी ना. Even in private company, you should have 200 members maximum. But in LLP, you can have 201. You can have 300. You can have 500. Ekdam clear hai? Ekdam clear everyone? Yes? Yes. Dhyan do haan sab log. Dhyan do. Dhyan chahiye. Aur aise padhai karni hai. Tum kya karte ho? As mentioned by the provision. Words yaad rakhenge everyone. Wo kisi ko yaad nahi rehte. Right? Chalo. So, मुझे बताओ कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे. मिनिमम चीफ, मैक्सिमम अनलिमिटेड. ऑल्सो अगर एलएलपी के पार्टनर्स 2 के नीचे फॉल हो गए, मतलब 1 हो गया, तो 6 मंथ्स तक आपको अलाउड है. विद इन 6 मंथ्स आपने और एक पार्टनर ढूंढ के ऐड करना है. अगर आपने विद इन 6 मंथ्स नहीं किया तो यू विल बी सोली रिस्पॉन्सिबल एंड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट्स, बिकॉज द स्टेटस, कौन सा स्टेटस? सेपरेट लाइबिलिटी या सेपरेट लीगल स्टेटस या लिमिटेड लाइबिलिटी, वो स्टेटस रिवोक हो जाएगा आपका बाय पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बाय लॉ, नॉट कोर्ट, लॉ. लॉ ही बोलता है. कितना टाइम पीरियड दिया है? 6 मंथ्स. आर वी कंफर्टेबल विद दिस? इजी. मैं चलो नेक्स्ट पॉइंट पे. सेवन डेजिग्नेटेड पार्टनर. Yes, dear students, we have cross-checked just now using the latest module of relevant syllabus. Jopna syllabus is the latest module. And clearly, the amendments override your module. Aur isi ke liye unne amendment alag se diya hai. Toh mujhe ek baat batana hai everyone. Ease of doing business. What is ease of doing business? Ease of doing business? Matlab kya? Matlab business karne mein aachani ho. Okay na everyone, theek hai? Isi ke liye कुछ नए कंसेप्ट ऐड हुए. सबसे पहला वाला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे स्मॉल एलएलपी. जैसे स्मॉल कंपनी पढ़ा था ना हमने, वैसे ही स्मॉल एलएलपी. तो मुझे एक बात बताना, स्मॉल एलएलपी कौन सी होती है? एक ऐसी एलएलपी होती है जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन डज नॉट क्रॉस 25 लाख रुपी. ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, बट ये हमारे एग्जाम को, हमारे एग्जाम का नाम क्या है? नवंबर 2023. अब ये नवंबर 2023 जैन 2024 में हम एग्जाम क्यों दे रहे हैं? ये क्वेश्चन आप आईसीआई से पूछो, ये मुझसे मत पूछना. बट ऑफिशियली अपना एग्जाम कौन सा है? नवंबर 2023. ओके एवरीवन, सो हमारे एग्जाम की बात करें, हमारे एग्जाम से ये एप्लीकेबल है, ऐसा दिया हुआ है. ठीक है,
ओके तनुष पूछ रहा था सर कौन से एग्जाम से आप लेके बोले क्या लिखेंगे हम ये लिखेंगे क्यों क्योंकि यहां इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है आया समझ में दीज आर एप्लीकेबल टू आवर एग्जाम देखो अमेंडमेंट फॉर बिजनेस लॉस सीए फाउंडेशन नवंबर 2023 ओके ना एवरीवन ये अपना एग्जाम यही है ओके एवरीवन ओके ऑल राइट यस हाँ बोलो स्मॉल एलएलपी क्या होती है जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपी और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड लेटर ऑन नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ टर्नओवर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर सर व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एवरी एलएलपी मस्ट फाइल अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी एवरी ईयर हिसाब किताब देना और ये बताना भाई हम सॉल्वेंट है वी आर गोइंग टू बी एबल टू मीट अवर ऑब्लिगेशंस हम बैंकरप्ट नहीं होने वाले भाई वो एक स्टेटमेंट फाइल करनी होती है तो एज पर फाइल्ड अकाउंट्स कंपनी होती तो इसको मैं क्या बोलता हूँ ऑडिटेड अकाउंट्स कंपनी को क्या बोलते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स क्योंकि हर कंपनी का ऑडिट कंपलसरी है हर एलएलपी का ऑडिट कंपलसरी नहीं है तो हम इसको बोलते हैं फाइल्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी कंपनी लॉ में सेम शब्द को क्या बोलते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स एज पर द टर्नओवर द सेल्स डज नॉट क्रॉस 40 लाख रुपी और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ एज वी प्रिस्क्राइब विच मीट्स अदर रिक्वायरमेंट एंड फिल्स अदर टर्म्स एंड कंडीशन एंड नाउ इफ यू आर small LLP then what do you get you get some benefits and privileges you get some benefits and privileges why under the concept of ease of doing business you are MSME you are MSME you are small LLP तो आपको कुछ benefits मिल जाएंगे they are encouraging you to open new LLP and if it is a small LLP then you will get benefits भारी ना अच्छा है ना ओके लिखना है या बाय हार्ट हो गया है लॉन्ग टर्म मेमोरी में शादी के दिन पूछूंगा आपके फेरे मार रहे होगे व्हाट इज स्मॉल एलएलपी देख क्या उधर ही स्टिक लेके लात पे डंडे आया क्या समझ में चलो लिख के लाए क्या टाइम पास करते लिखो चलो बताओ स्मॉल एलएलपी तीन कंडीशन नंबर वन ये एंड है एंड कंडीशन है कौन से कंडीशन है ये एंड कौन से कंडीशन है ये एंड conditions और इधर नीचू हम लिख देंगे amendment क्या लिख देंगे हम रेड पेन से बताओ मेरे को सबसे पहला कंडीशन क्या है कैपिटल बोलो कितना क्रॉस नहीं होना चाहिए 25 लाख इंटू ब्रैकेट प्रिस्क्राइब लिमिट 5 करोड़ 25 से ज्यादा कैपिटल क्रॉस नहीं होना चाहिए क्या हम 25 लाख को आगे इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट अमेंडिंग द लॉ यस अप टू 5 करोड़ बियॉन्ड 5 करोड़ अगेन एक्ट को अमेंड करो अपर हाउस लोअर हाउस बिल विल बी पास बी साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट विल बिकम एक्ट वो प्रोसेस को बाईपास करके आप कैपिटल को 25 लाख से इंक्रीज कर सकते हो अप टू 5 करोड़ 5 करोड़ से ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते प्लस नंबर टू बोलो टर्नओवर कितना क्रॉस नहीं होना चाहिए इट शैल नॉट क्रॉस 40 लाख इनटू ब्रैकेट ये 40 लाख लिमिट हम इंक्रीज कर सकते हैं यस 50 करोड़ तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं हम मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स प्लस नंबर थ्री अदर रिक्वायरमेंट नंबर थ्री अदर requirements as prescribed तो अगर आप ये तीनों क्राइटेरिया में फॉल हो जाते हो congratulations you are now a small LLP you are exempt from certain provisions of the law some compliance burden will be less for you You don't have to hire a CS or take services of CS to do some work. Because you are a small LLP. आपके ऊपर compliance burden आता है आपका income कम हो जाएगा. Did you understand everyone? Same exact logic is there in small companies. You remember small companies?
स्मॉल कंपनी, जेवी, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडियरी, प्राइवेट, पब्लिक, सेक्शन 8, इस पे शॉर्ट नोट्स आते हैं एवरीवन, इस पे शॉर्ट नोट्स आते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना। देखो जब मैं सिखाता हूँ तो मैं बहुत बार बिना रीड किए सिखाता हूँ, बट आपको रीड करके लिख के लेके पॉइंट्स याद रखने, ठीक है ना एवरीवन? ओके ना, ये अमेंडमेंट आया समझ में सबको? जी ऐसे नहीं। और हम क्या करेंगे, हम अमेंडमेंट को इचैलिक्स में लिख देंगे। इचैलिक ऐसे टेढ़ा, रेड कलर और टेढ़ा, ओके ना? चीके चीके चीके, चलो मैं आगे। ओके एवरीवन, ठीक है, अब सेक्शन 6 एवरीवन हमने कर दिया था, यस। अब मैं सेक्शन 7 में आ गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब मुझे एक बात बताइए, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं, बोलिए, हु इज डेजिग्नेटेड पार्टनर? बकरा। हु इज डेजिग्नेटेड पार्टनर? बकरा। जैसे कि हर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होंगे, हु शैल बी लायबल फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट, इन द सेम वे एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, दे मस्ट बी इंडिविजुअल नॉट बॉडी इनकॉर्पोरेटेड। समझा क्या? और अगर एलएलपी में सिर्फ बॉडी इनकॉर्पोरेट है, मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और टाटा मोटर्स लिमिटेड नहीं एलएलपी बना दी, तो देन उनके कोई ऑफिसर डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी एन इंडिविजुअल पर्सन। आज समझा गया आपको? पकड़ोगे कैसे, कंपनी को कैसे पकड़ोगे ना, आएगा समझ में? एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। इसमें से एक व्यक्ति इंडिया में रहेगा जिसको हम कॉलर पकड़ लें, आया क्या समझ में? विदेशी लोगों तो उनका कॉलर पकड़ने को नहीं आता। अपना विजय माल्या, नीरव मोदी क्या मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, अभी थोड़े टाइम के बाद पास अवे हो जाएंगे ड्यू टू नेचुरल कॉजेस, और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, नहीं? और क्या है, टेररिस्ट भी नहीं है तो शूट वूट भी नहीं कर सकते उधर जाके इलीगली हम लोग, है ना? चलो आगे। इफ एन एलएलपी, ऑल द जोक मारा था, हंसना था, नो ऑफेंस टू एनीवन, ओके, नो ऑफेंस टू फ्यूजिटिव्स, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स एंड ऑफेंडर्स। इफ एन एलएलपी ऑल द पार्टनर आर बॉडी कॉर्पोरेट, देन डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, क्योंकि सारे पार्टनर तो कंपनीज है, तो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल जो बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे आके रिप्रेजेंट करेंगे उनको, उनको बना दो डेजिग्नेटेड पार्टनर। कुछ आ रहा है क्या समझ में? ओके ना एवरीवन? 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ एलएलपी या तो फिर नॉमिनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कि सीईओ एमडी, उनको बना देना पार्टनर। कूल, ओके, आया समझ में? रेजिडेंट इन इंडिया, फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन, द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मतलब कि अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया For not less than, yes, we will look at the amendment. और amendment में जो दिया है वही हम लिखेंगे। For the purpose of this section, the term resident in India मतलब कि जो इंडिया में रहे हैं for 120 days. Okay ना everyone? ठीक है, चलो let us go to our section 7. और रेजिडेंट अब कितने हो गए, 182 120 डेज। जो भी अमेंडमेंट है मैं उसको रेड इटैलिक्स में लिख रहा हूं, और जो भी चीज एप्लीकेबल नहीं है मैं उसको स्ट्राइक आउट कर दूंगा, यहां पे लिख दूंगा अमेंडमेंट। कूल, सो दिस बिकम्स 10-star एरिया, ये एग्जाम में पक्का आएगा ये अमेंडमेंट, 100% आएगा, देखो। तो वी विल गिव इट टाइम, आराम से पढ़ेंगे, ओके, चले आगे हम लोग। यस, लिख दिया आपने सेक्शन 7, सेक्शन 7 लिख दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, म्यूचुअल एजेंसी। वाई म्यूचुअल एजेंसी? मैं आपका पार्टनर, आप मेरे पार्टनर, मैं आपका एजेंट, आप मेरे एजेंट, मैं आपका प्रिंसिपल, आप मेरे प्रिंसिपल। एलएलपी का एक एग्रीमेंट होना चाहिए रिटन, है ना, पार्टनरशिप में चलता है, एलएलपी में नहीं चलता। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, कॉमन सील चाहिए तो रख सकते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है,
जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस है वो सम पार्टनर सिखा सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं पार्टिसिपेट, और आप एम्प्लॉयज भी रख सकते हो. नॉट एवरी वन नीड्स टू मैनेज योर बिजनेस. मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं? टू. मैक्सिमम? 100. मिनिमम टू शैल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब बकरे. LLP मस्ट बी फॉर प्रॉफिट ओनली. अब ये देखो, ये नॉर्मल पार्टनरशिप का रूल भी यहाँ पे अप्लाई होता है. NPO करना है तो कुछ ही तरीके हैं इंडिया में. सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशन सोसाइटी एक्सेट्रा. पार्टनरशिप में आप नहीं कर सकते. इन्वेस्टिगेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एजेंसी को बोल के आपकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है. कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हो सकते हैं LLP में. आप अपनी एग्जिस्टिंग एंटिटी को LLP में कन्वर्ट कर सकते हो. कौन सी एग्जिस्टिंग एंटिटी में को बताना, कंपनी या पार्टनरशिप? नहीं, कंपनी को भी कर सकते हैं और पार्टनरशिप को भी कर सकते हैं. आर यू ओके विद दिस? इज दिस ओके? प्लस आप LLP को भी कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अ कंपनी. ओके. ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फाइलिंग करनी होती है किसको? डेजिग्नेटेड पार्टनर को. एंड देयर कैन बी फॉरन LLP ऑल्सो विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डूइंग बिजनेस इन इंडिया. आर वी कंफर्टेबल विद दिस? शैल आई प्रोसीड अहेड? यस. ओके. ठीक है, कुछ भी आपको इसमें डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके. कॉमन सील के बारे में क्या बताया? इट इज नॉट मैंडेटरी, कंपनी को भी नहीं और इसको भी नहीं. ओके ओके. इट इज नॉट मैंडेटरी. चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो मत रखो. मैं चलो आगे एवरीवन. यस. ओके. एडवांटेज ऑफ LLP. LLP ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर यू फील इज राइट. बराबर है. सुबह सुबह अपने आप को क्वेश्चन पूछने के, अगर मेरी माँ ये चीज करेगी तो मैं भी कर सकता हूँ. मॉरल एथिकल क्वेश्चन पूछने के, यू कैन डू वॉट एवर इज राइट इन LLP, है ना? कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं. अरे नो, इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, नॉट योर माइंड. ठीक है, चलो. क्या जोक मार रहा था मैं? ध्यान अच्छा है आप लोग का. अरे एग्रीमेंट में जो लिखा है वो कर सकते हो, ठीक है ना? वो सही है कि नहीं मॉरली वो दूसरी स्टोरी है. चलो आगे. मैं LLP प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू कंपनी. कंपनी में कॉम्प्लेक्सिटी होती है. गिव यू कॉम्प्लेक्सिटी इन कंपनी विच इज नॉट देयर इन LLP. हायर CS, है ना? हैव होल टाइम डायरेक्टर्स. ओके. यस. हैव फोर बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर. हैव वन AGM कंपल्सरली. सम बिजनेस यू मस्ट कंडक्ट बाय वे ऑफ जनरल मीटिंग. सो इफ AGM में नहीं किया तो यू हैव टू होल्ड EGM. ओके ना? ये सब LLP को नहीं होता. ओके. इजी टू फॉर्म LLP, बहुत इजी टू इनकॉर्पोरेट है. सारे पार्टनर एंजॉय करते हैं. लिमिटेड लाइबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, और कैपिटल घुसा सकते हो. कंपनी में क्या है, पूरा मेमोरेंडम अल्टर करना पड़ता है कैपिटल घुसाने के लिए. ओके. इट इज इजी टू डिसॉल्व अनलाइक अ कंपनी जहां पर डिसोल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट है. इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP. आई मस्ट हैव इनकॉर्पोरेशन नोट्स. ये इतना डिटेल में क्यों पढ़ने का नहीं है तो यहां से पढ़ेंगे. बोलो क्या प्रोसेस है LLP का, फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन का? ऑब्टेन DSC. व्हाट इज DSC? व्हाट इज DSC? व्हाट इज DSC? DSC क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एज डिफाइंड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. ओके. इट इज लाइक अ पेन ड्राइव. वो पेन ड्राइव घुसा के यूजिंग अ सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, देयर इज अ पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की. दे आर मैथमेटिकली रिलेटेड. प्राइवेट की इज टू क्रिएट द DSC, पब्लिक की इज टू वेरीफाई द DSC. इट इज अ कंप्यूटर एल्गोरिदम विच पुट्स योर डिजिटल सिग्नेचर इन द डॉक्यूमेंट. वो स्कैन किया हुआ नहीं, वो लिख के स्कैन किया वो सिग्नेचर नहीं. ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोलते हैं. मैं डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहा हूं. ठीक है. देयर आर CA सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, वो बताते हैं वो लोगों से आप DSC ले सकते हो. इज दिस ओके एवरीवन?
असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में प्राइवेट की एंड इट्स मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की यूजिंग हैश फंक्शन, ये डीएससी ऐसे ऑपरेट होता है ओके और हर डीआईएन या डीपीआईएन को डीएससी लगेगा, उसके बिना आप डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन साइन नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज ऑनलाइन कूल ओके। सो बोलो कैसे ओपन करने का एलएलपी, नंबर वन ऑब्टेन डीएससी, नंबर टू अप्लाई फॉर डीपीआईएन मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिटी नंबर, मैक्सिमम कितने अप्लाई कर सकते हो, पांच। और अगर आपके पास ऑलरेडी डीआईएन है, इफ यू हैव DIN, then you don't need DPIN because they are interchangeably used. Okay, next, get the name approval. आपकी जो LLP है, उसका जो नाम है, just like a company, it should not be a name which is undesired by central government. It should not be a name which is not allowed to be used, like Ashok Chakra, like Charkha, like Mahatma Gandhi, Prime Minister. ऐसे words use करना allowed नहीं है। ओके एवरीवन, कंपनी लॉ में सिखाया ना मैंने आपको, योर नेम शुड नॉट ब्रीच एनीवन्स ट्रेडमार्क कॉपीराइट एक्सेट्रा, द नेम शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस यू आर गोना कैरी। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एलएलपी खोली, एडवर्ड एकेडमी एलएलपी, और जूते बेच रहा हूँ बैठ के, तो ऐसा नहीं चलता ठीक है। तो दैट इज गेट नेम अप्रूवल, उसके बाद में एमसीएसए नेम अप्रूवल का आपको अप्रूवल आएगा, देन यू कैन फाइल इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, फॉर्म नंबर फॉर्म कौन सा है, FILLIP फ्लिप फॉर्म, बट लिखने का कैसे, आई छोटे FLLP बड़ा, F आई छोटा LL बड़ा आई छोटा P ओके एंड देन यू फाइल LLP एग्रीमेंट, क्लिक के लिए आपने प्रोसेस लिखो न्या आलसी हो एक नंबर के, नालायक हो, निकम्मो, लिखो चलो, कितना बोलने लगाते हो ना तुम लोग, नहीं अच्छा चलो एवरीवन, अब जरा ये सेक्शन हमारे मॉड्यूल से डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो टेल मी एवरीवन, क्या प्रोसेस है, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, फॉर LLP टू बी इनकॉर्पोरेटेड आपको एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा लोग लगेंगे जो प्रॉफिट वाला बिजनेस कर रहे हैं और इनको अपना नाम सब्सक्राइब करना होगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, इज दिस ओके एवरीवन। तो कंपनीज में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, MOA AOA, और अपने यहां पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट विच इज रजिस्टर्ड एंड बिकम्स पार्टनरशिप डीड ऑफ LLP, LLP डीड इज मस्ट ओके। स्टेटमेंट बी फाइल, देयर शैल बी फाइल्ड अलॉन्ग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अ स्टेटमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मतलब क्या, पार्टनरशिप डीड, उसको डीड ये शब्द में क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज यू आर गेटिंग इट रजिस्टर्ड, स्टैंपिंग होता है उस पर, स्टैंप ड्यूटी पे होती है और रजिस्ट्रेशन होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डीड ओके ना एवरीवन। अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एडवोकेट CS CS CMA, ये चार में से एक बंदे का आपको अटेस्टेशन लगेगा ओके, बाय एनी वन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड रूल आर कॉम्प्लाइड विद in respect of incorporation and matters precedent and incidental thereto. Okay na everyone? Incorporation document file karte, affidavits lagte hain. Kya affidavit lagta hai? Main sach kahunga, sach ke sivai kuch nahi kahunga. Niche sign karna hota hai ki I have complied with all the rules and regulations. Okay na everyone? Theek hai? All right? Kaun sign karta hai? Ek advocate or CA, CS, CMA. क्योंकि मैं सी हूं ना तो मैं सी हमेशा पहले बोलता हूँ, एक्चुअली CS पहले लिखा है यहाँ पे, बट मेरी आदत है CA CS CMA ठीक है। नो ऑफेंस टू माय CS स्टूडेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरी फैकल्टीज एंड एवरीवन। सो बस एडवोकेट CS CA और कॉस्ट अकाउंटेंट, वो कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बोलने का उसको, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलने का ठीक है, आई टेक ऑफेंस एज अ CMA। चलो आगे मैं चला गया, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल, एक्चुअली एवरीवन ये LLP इनकॉर्पोरेट करना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, पूरा डोमेन CS का है, बट बिकॉज CS इंडिया में इतने कम है कि कुछ कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी वो इनकॉर्पोरेशन करते हैं, लाइक वी हैव अ फैकल्टी CA शर्मिष्ठा गायसास, शी इज अ फैकल्टी ऑफ एडवर्ड एकेडमी, शी इनकॉर्पोरेट्स LLP कंपनी ट्रस्ट ऑन अ डेली बेसिस, बट शी इज नॉट अ CS, शी इज अ CA, CS इतने कम है ना। चलो क्या आगे, एक दिन आएगा वो जब यहाँ पे CA का नाम हट जाएगा, फिर CS होंगे क्योंकि उनका डोमेन है ना रजिस्ट्रेशन करना। चलो क्या आगे, हो सकता है सब ओके। क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट में,
फॉर्म एज प्रिस्क्राइब्ड, स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी, स्टेट द पर्पस ऑफ एलएलपी मतलब बिजनेस, स्टेट द एड्रेस ऑफ एलएलपी, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर गोइंग टू बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी ऑन इनकॉर्पोरेशन, स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन विल बी डेसिग्नेटेड पार्टनर, कंटेन सच इन्फॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, चलो मैं आगे। अरे चलो क्या, जोक जोक जैसे तरीके से बात कर रहा था ताकि आप सुनो, क्योंकि आप लोग सब कॉमोटो स्टेट में जा चुके हो। इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट डिस्कस्ड अबव, ही नोज टू बी फॉल्स, डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years, फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 कैन एक्सटेंड टू 5 lakhs, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप एलएलपी को रजिस्टर करते हो, इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द आईज ऑफ लॉ, एंड देन इट बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी बिजनेस। चलो मैं आगे, ठीक है, यस ओके ना एवरीवन। द सर्टिफिकेट गिवन बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर। केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है, आपने एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाट इज द कंक्लूसिव एविडेंस? आंसर इज, जब सर्टिफिकेट मिला, इट इज कंक्लूसिव एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ दैट एलएलपी इज रजिस्टर्ड। एग्जैक्टली सेम प्रोविजंस कंपनी को अप्लाई होती है, सेम कंपनी एक्ट में दिया हुआ है। व्हेन यू गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट इज कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर पर्टिकुलर नेम। ठीक है एवरीवन, चलो मैं आगे। यस, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन। तो कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, याद आ रहा है क्या? स्टेट, वैसे एलएलपी का भी होता है, और अगर आपने उसका एड्रेस चेंज कर दिया तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी को बताना पड़ेगा। इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? ठीक है, यस और नो, यस और नो, यस और नो? अरे यस और नो। हर एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जहां पे नोटिसेस जाएंगे, और डॉक्यूमेंट में भी सर्व्ड ऑन एलएलपी और पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट। एंड एलएलपी में चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस, बट आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा चेंज, एंड यू हैव टू पे द फीस एंड फिल द फॉर्म, ओनली देन रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव। इफ एलएलपी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, एलएलपी एंड पार्टनर बी लाइबल ऑफ अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 2000 विच कैन एक्सटेंड टू 20। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है क्या हो जाता है? A new entity is created. A new person is born with a new PAN card. Is this okay, everyone? Everyone okay? हाँ, तो क्या क्या कर सकते हो आप मुझे बताना? हाँ, वो सारे काम कर सकते हो जो कोई body कॉपरेट कर सकती है। You can chew and be chewed. You can sue and be sued. Okay, ना everyone? You can acquire, own, hold, develop, dispose the property, movable in property, tangible, intangible in your name. You can have a common seal if you decide to have one, and even if you don't decide to have one, then the designated partners or partner signature will be which they can bind you in a contract. They can be your authorized representatives. So partner ne sign kar diya, so then it means LLP has signed. If you put a stamp of it on behalf of so and so LLP, signed authorized signatory or designated partner or partner, whatever. Theek hai na everyone okay? Everyone okay? Name, her LLP ke naam ki pichu aap likhoge, kya pichu likhoge aap? Limited liability partnership ya to LLP. Okay, you will not use the name which in the opinion of central government is undesirable. वो prevention of improper use prohibition act है, names and emblems का, तो वो act में दिया हुआ है क्या undesirable है। आया क्या समझ में everyone? और बहुत सारे court cases भी हो चुके क्या नाम नहीं use कर सकते। And if it already registered partnership LLP या company के नाम से resemble करता है, मेरी company का नाम क्या है? Edward Academy Private Limited. You cannot open Edward Academy LLP, not allowed. मैंने ऑलरेडी वो नेम से रजिस्टर कर दिया ना, आपको करना होगा तो आपको मेरी कंपनी का एनओसी लगेगा, और एनओसी के लिए मैं तो पैसे लूंगा। आया समझ में एवरीवन? क्योंकि आप मेरे नाम पे काम करोगे ना फिर। ओके ठीक है, तो कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है या तो कोई ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन डाला हुआ है और वो ट्रेडमार्क के नाम का, या तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट के नाम का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो अलाउड नहीं है।
नेम नेम रिजर्वेशन होता है वही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओके आपको नेम को रिजर्व करना, नेम को क्या करना पड़ेगा रिजर्व, नेम को क्या करना पड़ेगा रिजर्व करना पड़ेगा। पहले अप्लाई करना है फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सी, रजिस्टर पार्टनरशिप नहीं रजिस्टर ऑफ कंपनी आपको नेम रिजर्वेशन का एक डॉक्यूमेंट देगा, सर्टिफिकेट देगा। वो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितना है, कितना है वैलिडिटी मुझे बताओ, 3 मंथ्स। ओके ना एवरीवन, और फिर 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको नाम से रजिस्टर कर देनी है LLP, नहीं किया तो वो नेम लैप्स हो जाएगा, फिर कोई भी और दूसरा पर्सन वो नाम से LLP रजिस्टर कर सकते हैं। ओके एवरीवन ठीक है एवरीवन, ओके ना LLP का मुझे नाम चेंज करना है तो नाम चेंज करो, बट आपका नाम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और रिजेंबल नेम ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी LLP, बॉडी कॉर्पोरेट, अदर पार्टनरशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट सच LLP टू चेंज द नेम एंड LLP शैल कॉम्प्लाई द डायरेक्शन विद इन 3 मंथ्स। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपने एक नाम रखा है LLP का नाम गरीब परिवार LLP, सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यू स्कीम लॉन्च हुई है गरीब परिवार सेवा स्कीम, गवर्नमेंट कैन सेंड यू अ नोटिस नाम चेंज करो, कितने टाइम में करने का 3 मंथ्स। लॉजिक आया ना समझ में, चलो मैं आगे। एनी LLP विच फेल्स टू कॉम्प्लाई विद द डायरेक्शन उनको पेनल्टी हो जाएगा, पेनल्टी रीड कर लो एक बार। स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट LLP, बोलो सबसे पहला स्टेप क्या है, नेम रिजर्व करो, एप्लीकेंट हैज टू फाइल फॉर्म ई फॉर्म 1 टू असर्टेन द अवेलेबिलिटी एंड रिजर्व द नेम, आफ्टर रिजर्विंग द नेम यू हैव टू फॉर्म फाइल ई फॉर्म 2 टू क्रिएट न्यू LLP। E-Form 2 contains the details of LLP proposed to be incorporated as well as designated partner and their consents. Then LLP agreement bana, usko execute karo. LLP agreement is required to be filed with registrar in E-Form 3 within 30 days. Priya Vidyarthiyo, aapko ye diagram dikh raha hai. Kitne columns banaoge? 3 columns. Number 1, header. Number 2, details of steps. And number 3, e-form number. Column 1, column 2, column 3. Are we okay with this? Yes. Chalo, likh ke lene ka chup chap, patapat. Dear students, zara hum log amendments dekh lete ek bar kya kya hua hai. Students, ease of doing business. Ease of doing business के हिसाब से penalties को rationalize करना पड़ता है। आप बहुत unreasonable penalty डालोगे तो then it is a demotivation to register an LLP। इसी के लिए उन्होंने क्या किया, ध्यान दे दो ये section के ऊपर, have a look at section 13। हम लोग ने क्या section 13 पढ़ा, LLP का एक registered office होना चाहिए जिधर आके हम caller पकड़ सके। Company में भी same होता है, one registered office has to be there, so उधर आके हम caller पकड़ सकते हैं। If I want to send a tax notice to the company or LLP, I want to send Ministry of Corporate Affairs का notice, ठीक है, तो देन यार कौन से एड्रेस पे डालना है, और वो एड्रेस पे डाला तो इट इज डीम्ड सर्विस ऑफ नोटिस, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड ऑफिस। डिड यू अंडरस्टैंड? सो तनुष पहले पेनल्टी कितनी थी मेरे को बताना, रजिस्टर्ड ऑफिस में कि कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रावीन करने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया, री रजिस्टर नहीं किया एक्सेट्रा, क्या पेनल्टी थी मुझे बताना। पेनल्टी शैल बी 2000 to 25,000, और अभी पेनल्टी क्या कर दी है 500 पर डे ऑफ डिफॉल्ट। आपको पेनल्टी समझ में आई, और मैक्सिमम कितना, टेल मी हाउ मच इज मैक्सिमम, 50,000। और ये बहुत सबसे घटिया तरीका है पॉइंट्स लिखने का, सबसे घटिया तरीका। तो हम लोग क्या करेंगे, टेल मी, वी आर गोइंग टू राइट इन न्यूमेरिकल फॉर्म, हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख के लेना है। तो मुझे बताना कौन सी सेक्शन है ये, सेक्शन 13 पर्टेनिंग टू रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। सो कॉन्ट्रावेंशन का जो फाइन है वो अभी कितना है मुझे बताना, ₹500 पर डे ऑफ डिफॉल्ट इनटू ब्रैकेट मैक्स 50K,
मैक्स 50 के, और मैं क्या करूंगा कि मैं इसको रेड में लिखूंगा और जो पुरानी प्रोविजन थी उसको ब्लैक में लिख के उसको कट करूंगा, सो दैट वी नो दैट दैट इज ओल्ड प्रोविजन. तो अपने को थोड़ा सा याद रहता है कि हाँ यार हम गलत तो नहीं पढ़ रहे. और ओल्ड प्रोविजन क्या थी, रुपीज 2K to 25K. इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन कि यार 500 पर डे कर दो, विच इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट बट इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट. इट एक्ट्स एज अ डेटरेंट कि भाई ये चीज नहीं करनी है. और पहले मैक्सिमम कितना था, 25,000. अब थोड़ा ज्यादा डराने के लिए उसको 50,000 कर दिया. कि यार सी स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, इफ आई नो योर होम, आप कहाँ रहते हो अगर ये मेरे को मालूम है, तो आई कैन गिव यू क्रेडिट, मैं आपको उधारी दूँ, मैं आपसे पैसा मांगू ही ना, एंड एनी टाइम आई कैन कैच यू एट योर होम, दैट इज एन एश्योरिटी. इन द सेम वे व्हेन यू आर रजिस्टरिंग अ कंपनी LLP, रजिस्ट्रेशन मीन्स हाउ टू लोकेट देम. वी नो आपको समझ में आ रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यार तेरा घर किधर है मेरे को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, ये रजिस्ट्रार के पास इन्फॉर्मेशन है. रजिस्ट्रार को 10 रुपए दोगे, नॉमिनल फीस बोलते हैं हम उसको, तो रजिस्ट्रार को प्रिंट आउट निकाल के देगा उसका एड्रेस क्या है. दैट टू लैंडमार्क वैंडमार्क के साथ, ऐसा नहीं कुछ भी एड्रेस डाल दिया, कंपलसरी डिटेल में डालना पड़ता है. सो ओल्ड प्रोविजन थी उसको मैंने काट दिया, और न्यू प्रोविजन कितनी मेरे को बताना, अमेंडमेंट कैसा है. वेरी गुड, 500 पर डे, यहां पे अमेंडमेंट लिख दिया मैंने. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, पक्का ये सब आएगा, पक्का ही आएगा. क्या पता एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए 2-3 मार्क्स का, क्या पता दे कैन आस्क यू दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू LLP, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे कैन आस्क यू अ 5 मार्क और 10 मार्क क्वेश्चन, 2-2-2-2 मार्क्स ईच, और 1-1-1-1 मार्क ईच, A B C D E, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि इतना बड़ा अमेंडमेंट का लिस्ट मैंने कभी नहीं देखा फाउंडेशन में, पहली बार उन्होंने डाला है, बड़ा लिस्ट है. चलो मैं आगे चला गया. एवरीवन, नेम की हमने सेक्शन 15 पढ़ी थी, आपको याद आ रहा होगा देखो. और मैंने न्यू मॉड्यूल सिखाए ये सोच के कि यार मॉड्यूल में तो चेंजेस किए होंगे, बट क्लियरली नहीं किया. सो नेम का सेक्शन 15 क्या बोलता है, अपने नाम के पीछे LLP लगाना है ना एवरीवन, नाम के पीछे LLP लगाना है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनकी CA फर्म के पीछे LLP लगाया उन्होंने. अभी LLP रजिस्टर्ड नहीं होगी, अनडिजायरेबल नेम. गिव एग्जांपल ऑफ अनडिजायरेबल नेम, प्रधानमंत्री LLP, नरेंद्र मोदी LLP, समथिंग लाइक दैट. हाँ यस, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल और नियरली रिजेंबल्स टू एनी अदर पार्टनरशिप फर्म और LLP और बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और ट्रेडमार्क विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर ट्रेडमार्क. तो यहां पे एप्लीकेशन वाला भी पॉइंट डाल दिया है, रजिस्टर्ड या अप्लाइड. डिड यू अंडरस्टैंड? एंड नाउ लेट अस सी भाई अमेंडमेंट क्या किया उन्होंने. और अमेंडमेंट का एक लॉजिक होता है एवरीवन, हमेशा अमेंडमेंट करने का एक लॉजिक होता है. ठीक है, नेम पे मैं आ गया, तो पहले क्या था, अनडिजायरेबल है ना, पॉइंट ए अनडिजायरेबल, पॉइंट बी क्या था, नियरली रिजेंबल्स द नेम ऑफ एनी LLP और बॉडी कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और अ ट्रेडमार्क विच इज अप्लाइड फॉर. और अब क्या कर दिया अमेंडमेंट, नियरली और टू आइडेंटिकली रिजेंबल्स एनी अदर LLP और कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर ट्रेडमार्क एक्ट. तो क्या क्या उन्होंने हटा दिया है, विच इज अ मैटर ऑफ एप्लीकेशन, मैटर ऑफ एप्लीकेशन हटा दिया. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो जरा फटाक से ये प्रोविजन में यहां पर डाल देता हूं. अरे क्या पता यही कुछ आ जाए, वी डोंट नो है ना, वी डोंट नो बाबा, यही कुछ आ गया तो. चलो मुझे बताना कौन सा सेक्शन है अगला, सेक्शन 15, सेक्शन 15 पर्टेनिंग टू नेम. And dear students, I draw your attention to the screen. मैंने क्या किया देखो, जो पूरा नेम का सेक्शन है वही यहां पे मैंने डाल दिया.
ठीक है, आई होप एवरी वन इज ओके विद दिस। ये नेम का सेक्शन यहाँ पे डाल दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे कर दिया लास्ट सेंटेंस कट। इजी, दे कैन आस्क यू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन एग्जाम कि एक एलएलपी ने नेम के लिए अप्लाई किया विच इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। द पार्टनर इज ऑफ कंटेंशन दैट इवन दो ट्रेडमार्क विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एप्लीकेशन कैन नॉट बी यूज, प्लीज कमेंट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लीज गिव लीगल एडवाइस। द आंसर इज एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन सेक्शन 15, ओनली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आर प्रोहिबिटेड, यू कैनॉट यूज द नेम ऑफ ओनली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अच्छा, ट्रेडमार्क रजिस्टर कैसे होता है? पहले उसको अप्लाई करते हैं, फिर वो प्रोसेस 5 साल तक लटका रहता है, एक लंबा प्रोसेस होता है, फिर जर्नल में नाम पब्लिश होता है, पहले प्राइमरी फेशिया इंक्वायरी होती है कि नेम क्लैश तो नहीं कर रहा। जैसे मैंने एडवर्ड अकेडमी का रजिस्टर किया, इट इज अ बिग प्रिविलेज यार, थैंक गॉड मैंने अच्छी चीजें की। व्हेन आई रजिस्टर्ड एडवर्ड अकेडमी ट्रेडमार्क, देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड एडवर्ड वैक्यूम्स ट्रेनिंग, एडवर्ड वैक्यूम ट्रेनिंग। उन्होंने मुझे बोला ट्रेडमार्क ऑफिस ने, नो यू कैनॉट यूज द नेम एडवर्ड बिकॉज एक वैक्यूम कंपनी है। तो आई फाउंड आउट अबाउट देम, दे वर एट पिंपरी चिंचवड एंड दे आर ऑलमोस्ट नॉट ऑपरेशनल इन वैक्यूम ट्रेनिंग। आई सेड आई एम अ सीएसीएस कोचिंग, आई एम नॉट अ वैक्यूम ट्रेनिंग। मैंने बोला मेरा और उनका बिजनेस मॉडल अलग है और मेरा नाम है एडवर्ड अकेडमी ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, उनका नाम है एडवर्ड्स वैक्यूम। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। दे एक्सेप्टेड एंड दे लेवल 1 क्लियरेंस हो गया, देन जर्नल में मेरा नाम पब्लिश हुआ। जर्नल में किसी को एतराज है तो आप इमिजिएटली रजिस्टर ऑफिस में बोल सकते हो, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क रजिस्टर ऑफिस में। तो वो किसी ने आगे बोला नहीं, किसी ने आगे, आई कैन फिनिश द सिलेबस कि हो गया चलो आगे, प्रिंट आउट भी ले लो, कलर प्रिंट आउट दे दूंगा मैं। क्यों ये प्राइवेट नॉलेज दे रहा हूं आपके लिए? तो यस माय डियर, मुझे जरा एलैबोरेट करो क्या हुआ। अच्छा, सो देन आगे स्टेप क्या होता है? जर्नल में पब्लिश होता है, किसी को एतराज है तो आप जर्नल देख के देन यू कैन टेल। और हम लोग सबको ईमेल में जर्नल आता है जिन्होंने पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्टर किए। प्रॉब्लम ऐसा है यार, तुमने साला कुछ भी ट्रेडमार्क का नाम अप्लाई किया। देखो एक चीज याद रखना, कोर्ट केस और ट्रेडमार्क कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो एक्सेप्ट होता है कि नहीं वो दूसरी स्टोरी है। सर एम्प्लॉय बॉन्ड अलाउड नहीं है, अरे लोग कोर्ट केस कर देते, 10 साल तक केस चलता है, एम्प्लॉय की हालत टाइट हो जाती है। इवन दो इट इज नॉट अलाउड, कोर्ट केस तो फाइल हो गया ना मेरा अलग अलग प्रिटेक्स में, तो मैंने दूसरे को हैरेस कर दिया। इन द सेम वे ट्रेडमार्क तो मैंने फाइल कर दिया, तो मैं तो 8 साल आपको हैरेस करूं कि ट्रेडमार्क क्लियर होने को 8 साल भी लग सकता है। तो ऐसे तो कोई वो नाम नहीं यूज कर पाएगा यार, हर पर्सन हर नाम का ट्रेडमार्क डालेगा और कभी कोई पर्सन नाम यूज नहीं कर पाएगा। वी आर फेसिंग दैट इश्यू नाउ। अर्लियर नेम वर अवेलेबल, नाउ नेम्स आर नॉट अवेलेबल, जस्ट लाइक .com। आई हैव अ ब्यूटिफुल .com नेम, edwardacademy.com। देयर आर हंड्रेड ऑफ एडवर्ड अकेडमी ऑल ओवर यूरोप। एडवर्ड नेम इज अ ब्रिटिश यूरोपियन नेम, सो देयर आर लाइक हंड्रेड ऑफ एडवर्ड अकेडमीज इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज इन यूके, बट edwardacademy.com मेरे नाम पे। आप लोग का आया क्या समझ में? मैंने वो लेके, पहले इजी था, अब नाम कुछ भी रजिस्टर करने जाओ रिजेक्ट हो जाता है। पहले कुछ भी नाम डालो तो एक्सेप्ट होता था, अब कुछ भी नाम डालो रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम है। हैव यू मेड एन इंस्टा प्रोफाइल गूगल आईडी? हर आईडी रिजेक्ट होता है, कुछ भी जाना और एडिसिंग 1 2 3 डाला वो भी रिजेक्ट होता है। इन इंडिया देर आर मोर देन 100 एडिसिंग, मेरे को पता नहीं था। तो इसी के लिए ईमेल मिलता ही नहीं अपने को, edi.sing मेरे को अभी मिला ही नहीं। आर यू विद मी? सो दैट इज वाई इन लाइन विद करंट ट्रेंड, उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा यार वो कैसे बैन हो गया? एक मिनट यार, गलत बात है ना, ये कैसे बैन? हर नाम बैन कर दोगे यार आप तो, तुम्हें रजिस्टर कौन सी कंपनी के किस नाम से करो? इसी के लिए वो प्रोविजन हटा दिया, समझा क्या? यू हैव अप्लाइड फॉर, 8 साल लगेंगे नाम आने को और नाम ब्लॉक। अरे ऐसे तो 1 लाख एप्लीकेशन आ रही है अभी ट्रेडमार्क्स के लिए, लॉजिक समझा क्या आपको? तो उसको थोड़ा उन्होंने रैशनलाइज किया। चलो नेक्स्ट, चेंज इन द नेम ऑफ एलएलपी, हम लोग ने पढ़ा है चेंज इन नेम ऑफ एलएलपी, ये कंसेप्ट पढ़ा है हमने। डिड वी स्टडी नेम चेंज ऑफ एलएलपी? चलो, सो रिजर्वेशन ऑफ नेम पढ़ लिया था, चेंज ऑफ नेम अपना बचा है, am I right?
notwithstanding anything contained in section 15 and 16, जहाँ पे central government satisfied है that LLP गलती से register हो गई inadvertently or otherwise, originally or by change of name under a name which is referred to in subsection 2 of section 15, it is identical or nearly resembles the name of other entity, the central government may direct the LLP to change the name and the LLP shall comply within 3 months. Number 2, जो भी एलएलपी फेल टू, आपको समझा क्या क्या हुआ है, इनएडवर्टेंटली रजिस्टर हो गए, रजिस्टरर आर नॉट परफेक्ट, उन्होंने गलती से रजिस्टर कर दिया, क्या नाम रजिस्टर कर दिया, एक ऐसा नाम रजिस्टर कर दिया जो पहले पॉपुलर नहीं था, बट टुडे इट इज द नेम ऑफ अवर करंट पीएम. एक लेडी है, लेट अस कॉल हर संगीता माथुर. संगीता माथुर हैज बिकम अवर प्राइम मिनिस्टर और संगीता माथुर के नाम की कंपनी है. आपका भी नाम संगीता माथुर है, इट इज अनडिजायरेबल, यू कैनॉट हैव नेम एज इंडिया प्राइम मिनिस्टर. मेरा नाम भी संगीता माथुर, हाउ मेनी संगीता माथुर माइट बी देयर, थाउजेंड्स आई थिंक, आई डोंट नो, बट यस इट इज अ वेरी कॉमन नेम. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ऐसा हो सकता है कि आगे जाके गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार ये नाम अपने को नहीं चाहिए, तो देन एवरीवन एलएलपी को कितने टाइम के अंदर वो नाम चेंज करना पड़ेगा, विद इन 3 मंथ्स. सेम रूल अप्लाइज टू कंपनी, एग्जैक्ट सेम प्रोविजन फॉर कंपनीज. लेट अस सी यार यहां पे क्या अमेंडमेंट हो गया. सो ये देखो यहां पे क्या दिया, सेम चीजें दिए, इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल्स टू दैट ऑफ अदर पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और पार्टनरशिप, अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क of a proprietor under trademark act is likely to be mistaken for it, then on application of such limited liability partnership or proprietorship referred to in clauses A and B respectively or a company, the central government may direct that such limited liability partnership to change its name or the new name within a period of 3 months from the date of issue of such direction, provided that application of the proprietor of registered trademark be maintainable within a period of three years from the date of incorporation or registration of or change in name of limited liability partnership under the act. Where a limited liability partnership changes the name or obtains a new name, it shall within a period of 15 days from such change give notice to registrar along with the order of central government, who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation within 30 days of the change. Such limited liability partnership shall change the name in the limited liability partnership agreement also, if the limited liability partnership is in default on complying, central government shall allot a new name to the LLP in such manner as prescribed by registrar, and the registrar shall enter the new name in place of old name and issue fresh certificate of incorporation, which, अरे बाप रे, जितनी बार क्लिक करो एक्ट ओपन हो रही है, अच्छे से कॉपी पेस्ट किया उन्होंने वहां से, समझा क्या, हाइपरलिंक आ गया यहाँ पे. Liability partnership shall use thereafter, provided that nothing contained in this subsection shall prevent LLP from subsequently changing its name in accordance with provision of section 16. Okay. मैं आपको issue बताता हूँ एकदम सरल भाषा में, and I am very sure you will understand. कैसा है everyone? When I registered Edward Academy Private Limited, by the way, I am damn lucky. Yeah? Edward Academy Private Limited, I could register. I am privileged. I hope one day someone approaches me for this name or 2-4 crore mein le lu. I don't know. Kisi ko naam chahiye hoga, etc. .com to main chhodunga hi nahi. Main to usko aisa solid renew karta hu 5-5 saal ka. Edwardacademy.com. Damn. Damn. Anyways, in case you did not know, mujhe mails aur Facebook pe pings aate rehte hain that I want to apply for a faculty. Aur niche Nottingham, पता नहीं यॉर्कशायर, फॉक्सशायर, यूके वीके, ऐसे बहुत ईमेल्स और ये आते रहते हैं मुझे. उनको लगता है आई एम सम एडवर्ड एकेडमी ऑफ देयर. एनीवेज, सो एवरीवन, एडवर्ड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के नेम के लिए जब मैंने अप्लाई किया, माय कंपनी सेक्रेटरी वाज ऑफ द ओपिनियन, अर्चना मैम, शी टोल्ड मी दैट यू ऑलरेडी हैव अ पर्सन हैज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर एडवर्ड एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, बट उसका स्टार्टिंग का वर्ड एडवर्ड एकेडमी सेम है, दैट पर्सन इज एडी सिंह. सो शी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट एडी सिंह विल हैव टू गिव एन एनओसी टू एडवर्ड एकेडमी फॉर नेम प्रिजर्वेशन, बट एडी सिंह डिड नॉट गिव एनओसी बिकॉज रजिस्ट्रार अप्रूव द नेम एडवर्ड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन?
बट अगर मैंने ऑब्जेक्शन किया होता कि मेरा ट्रेडमार्क का नाम क्या है, एडवर्ड एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, बट स्टार्टिंग दो वर्ड एडवर्ड एकेडमी है, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे यूज कर रही है? ऐसा ऑब्जेक्शन कोई रेज कर सकता है ना? वही दिया है, इफ अ प्रोपराइटर ओनर ऑफ अ ट्रेडमार्क रेजेज ऑब्जेक्शन, पहले क्या था, गारमेंट को अनडिजायरेबल लगा तो ही गारमेंट चेंज करेगी। अब यह है कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आप भी ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ट्रेडमार्क को नहीं, न्यू LLP एंड न्यू कंपनी के नाम को। ये बहुत जस्टिफाइड है ना एवरीवन, तभी तो अपना ट्रेडमार्क पावरफुल होगा, तभी तो लोग ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे और गारमेंट का रेवेन्यू आएगा और लोगों का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट होगा। आपको लॉजिक समझा गया? मेरा ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क एक्ट और कोर्ट सिस्टम को बाईपास करके आई कैन डायरेक्टली गो टू ROC, ए नेम हटाओ क्या कर रहे हो, तो मेरे को कितना स्पीडी रेमेडी मिल गया ना, जो मेरा नेम कॉपी करता है उसका नेम मैं इमीडिएटली चेंज करवा दूंगा विदाउट गोइंग टू कोर्ट, अमेजिंग रेमेडी। थिंक ऑफ द ओनर ऑफ ट्रेडमार्क ना यार, सुनो ना एवरीवन, डू यू नो दैट देर आर हीटेड केसेस ऑफ हीरो हीरो एंड हीरो मोटर कॉर्प, ग्रुप कंपनीज होती है जो स्प्लिट होती है, कजन्स और भाई बहन शेयर करते हैं सेम कंपनी के नाम, ये लोग वही बिजनेस शुरू करते हैं जो पहले वाले कर रहे हैं एंड द नेम बिकम्स मिसलीडिंग। मान लो आप चितड़े बंधु वाले हो, मैं भी चितड़े बंधु वालों, हम लोग दोनों ने अलग कर दिया, मैं डेयरी का बिजनेस करूंगा आप मिठाई का, डाउन द लाइन आफ्टर 2 generations उन्होंने डिसाइड किया कि हम स्वीट्स को ऑनलाइन बेचेंगे, तो अरे एग्रीमेंट में दिया नहीं, दे ट्राई टू फाइंड लूपहोल्स ना, एग्रीमेंट में तो दिया ही नहीं है, वी आर नॉट हलवाई, वी आर ऑनलाइन शिपर्स, बट आई एम गोइंग बाय द नेम चित्र बंधु एंड सेलिंग मिठाई ओनली, देन लॉन्ग लीगल बैटल एंस्यू। आपको लॉजिक समझ में आया क्या? तो इससे अच्छा है कि पहले ही ट्रेडमार्क वाले या एग्जिस्टिंग कंपनी नेम वाले ये ऑब्जेक्शन रेस कर दे विदाउट गोइंग टू कोर्ट, क्या रेमेडी है यार, विदाउट गोइंग टू कोर्ट यू कैन डायरेक्टली गो टू ROC, इट इज लाइक डायरेक्टली कंप्लेनिंग अबाउट योर फ्रेंड्स टू देयर पेरेंट्स और उनको कंप्लेन तो थप्पड़ पड़ते, इट इज लाइक दैट, क्विक स्पीड रेमेडी। आया क्या समझ में एवरीवन? विदाउट गोइंग टू कोर्ट यू आर गेटिंग द रेमेडी, आई होप इट इज परफेक्टली क्लियर एवरीवन। ओके, तो ये देखो मैं एकदम शॉर्ट में लिखता हूं, बिकॉज कितना भी अमेंडमेंट होने दो, यू कैन नॉट बाय हार्ट द एंटायर पैराज, एम आई राइट? कौन से सेक्शन है? सेक्शन 17, चेंज ऑफ अनडिजायरेबल नेम बाय CG बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैंने उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा है, नाउ एन ओनर ऑफ TM मतलब कि क्या, ट्रेडमार्क, कैन अप्लाई टू गेट नेम ऑफ एग्जिस्टिंग LLP चेंज्ड। पहले रेमेडी किसको थी? सिर्फ गवर्नमेंट को, अब रेमेडी किसको है? प्राइवेट इंडिविजुअल को। अमेजिंग इज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट, अमेजिंग, हैट्स ऑफ। अरे यार, आपने और मैंने मिलके अल्फा बीटा कंपनी खोली, हमने खून पसीना बहाया, हमने इंटरव्यू दिए, शार्क टैंक में गए, बेइज्जती करवाई अपनी शार्क टैंक पे स्टूपिड लोगों से, उससे पॉपुलर हुए, उससे हम पॉपुलर हुए, उन्होंने हमारा फंडिंग रिजेक्ट किया बट हम पॉपुलर हुए, वी वेंट टू सोशल मीडिया, वी वेंट डोर टू डोर और हमने स्वेट ब्रेकिंग किया 10 years तक, तभी एक बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, उसने एक नई LLP खोल दी और अपना नाम उसको डाल दिया अल्फा बीटा फार्मास्यूटिकल्स LLP। गलत है ना यार, गलत है। अभी कोर्ट में जाऊंगा तो वो हमें चू करके थूकेंगे यार, हमें उल्टा हमसे 2 crore सेटलमेंट ले लेंगे वो लोग, आउट ऑफ कोर्ट, दे विल हैरास अस टू नो एंड, दैट कॉन्ग्लोमरेट, दे हैव अ बैटरी ऑफ 200 लॉयर्स, दे विल कॉल अस टू दिल्ली हाई कोर्ट, वी आर इन पुणे, वी विल गो बैंकरप्ट इन 2 days, ट्रेवल करते करते वहां रहते रहते बैंकरप्ट हो जाएंगे हम। आर यू एबल टू फैदम व्हाट आई एम सेइंग? बट आई हैव अ रेमेडी, आई कैन नाउ गो टू द गवर्नमेंट एंड 1 letter एंड बूम, उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा, दे विल बी फोर्स टू चेंज देयर नेम। अमेजिंग ना, समझ में आया? पुअर मैन को प्रोटेक्ट कर दिया उन्होंने, अमेजिंग एवरीवन। अब बोलो कौन अप्लाई कर सकता है अनडिजायरेबल नेम चेंज? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, पहले से प्रोविजन है, कंपनी एक्ट 1956 से प्रोविजन है बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए। अब एक प्राइवेट इंडिविजुअल को भी ऐसी रेमेडी मिल गई कि गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, इससे कितना भारी वैल्यू आ गया ट्रेडमार्क्स को।
And I'm so happy that 12 years back I registered trademark and I'm renewing it every 10 years. आएगा समझ में आएगा। चलो आगे चलते हैं हम। तो सेक्शन 17 क्लियर है ना, एकदम सरल भाषा में मैंने लिखा है। ओके एवरीवन, यस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। सो डियर स्टूडेंट्स, चलो अभी हम सिलेबस में आगे चलते हैं और जैसे सेक्शन 25 में आएंगे तो ये अमेंडमेंट देखेंगे, है ना। चलो आगे चलेगा। स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट LLP कर दिया हमने, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशनशिप कर दिया। सेक्शन 25 इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। ये पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ा था, याद आ रहा है क्या आपको? आपको याद आ रहा है? वी हैड स्टडीड दिस इन पार्टनरशिप एक्ट आल्सो। या एलिजिबिलिटी टू बिकम पार्टनर एवरीवन, जिसने भी अपना नाम सब्सक्राइब किया है आइदर इन द एग्रीमेंट या तो फिर लेटर ऑन वो एग्रीमेंट का पार्ट बनते दे विल बी पार्टनर। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर एवरीवन, LLP एग्रीमेंट में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर दी होती है। इट शैल बी गवर्न बाय LLP एग्रीमेंट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। मतलब ये एक्ट में बोला है कि पार्टनर ये काम नहीं करेंगे ABC, तो ABC काम नहीं कर सकते। द LLP एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस इफ एनी मेड देयर इन शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकॉम्पनीड बाय फीस एज प्रिस्क्राइब्ड। एग्रीमेंट इन राइटिंग बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP बिटवीन द पर्सन हू सब्सक्राइब देयर नेम टू द डॉक्यूमेंट मे इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन LLP provided agreement is ratified by all the partner after the incorporation of LLP in absence of agreement mutual rights be governed by act. aur ek kahan pe set out hai? first schedule. bolo rights and duty kidhar diya act mein? first schedule. rights and duty kidhar diya bolo? first schedule. okay everyone, theek hai. rights and duty mein kya diya hai? that partners can murder each other, partners can be unfaithful to each other, no partner will carry on business diligently. हम राइट्स एंड ड्यूटी पढ़ चुके हैं ना पार्टनरशिप में, इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट। मैं चलो आगे। सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। पार्टनर होना कैसे बंद कर सकते हैं? रिटायरमेंट, डेथ, आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है ना एवरीवन। अ पर्सन में सीज टू बी पार्टनर एज पर द एग्रीमेंट बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग एटलीस्ट 30 डेज का कि बॉस मेरे को रिजाइन करना है। जैसे जॉब छोड़ते तो 1 महीने का नोटिस होता है एज पर लेबर लॉ, वैसे यहां पे भी 30 डे का नोटिस है। मेरे को नहीं होना पार्टनर, नोटिस दे सकते हो आप 30 डेज का। आप पार्टनर होना बंद हो जाओगे मरने के बाद या डिसोल्यूशन ऑफ LLP पे, या तो फिर कोर्ट ने बोल दिया आप अनसाउंड माइंड के हो, या तो फिर आप एडजुडिकेट हो गए हो इंसॉल्वेंट या डिक्लेयर हो गए हो as insolvent. Where the person has ceased to be partner of LLP, the former partner is to be regarded as still being partner unless the person has noticed that former partner has ceased to be partner in LLP. Same rule everyone. Come on na, public notice dena hai aapko. Nahi to third party ko kaise samjhega that you are now retired? Okay na everyone, notice dena hai. The notice of the former partner has ceased to be partner be delivered to registrar. क्योंकि LLP ही रजिस्टर्ड कंपलसरली, तो रजिस्ट्रार को नोटिस दिया मतलब दुनिया को नोटिस दे दिया। अब दुनिया की प्रॉब्लम है, उन्होंने चेक किया कि नहीं किया आप पार्टनर हो या नहीं। अगर आप पार्टनर होना बंद हो गए तो क्या आपकी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो जाती है? नो, जो ओल्ड ऑब्लिगेशन है दे सबसिस्ट। सेम पार्टनरशिप में पड़ा है, कम ऑन। अरे यस और नो, वेयर अ पार्टनर ऑफ LLP सीजेस टू बी पार्टनर अदरवाइज एज प्रोवाइडेड एन एग्रीमेंट द फॉर्मर पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ फॉर्मर पार्टनर ही शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अमाउंट इक्वल टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन द राइट टू शेयर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग द लॉसेस एज डिटरमाइंड एट द डेट ऑफ फॉर्मर पार्टनर। यू रिमेंबर सेक्शन 37 ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एक्ट कि मुझे टिल द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रॉफिट मिलेगा, वही यहां पर दिया हुआ। ओके ना एवरीवन, अ फॉर्मर पार्टनर और पर्सन एंटाइटल्ड टू शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी shall not have any right to interfere with the management of LLP. एक बार आप आउट पार्टनर हो गए आप LLP पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। 6% रूल हटा दिया क्योंकि 6% इज गार्बेज। दैट फिगर वॉज डिटरमाइंड डेकेड्स बैक। 6% क्या है आज? म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है 12-15% यार, है ना एवरीवन। चलो हम आगे चले गए। डियर स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। ओके अब एक काम करते हम ना, डायरेक्टली ओल्ड और न्यू सेक्शन एक साथ पढ़ते हैं, है ना। सेक्शन 25 में चेंजेस है, थोड़ा उन्होंने पूरा सेक्शन रिप्रोड्यूस कर दिया तो चेंजेस पढ़ने में हमें
कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा. ड्रॉ योर अटेंशन टू द स्क्रीन. रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर. ये आएगा ना, लिसन ना. इफ अगर पार्टनर का कुछ चेंज हो रहा है तो ये फैक्ट रजिस्टर करने की जरूरत है. अरे हाँ, क्योंकि लाइबिलिटी जो होती है वो चेंज हो सकती है ना. एक पार्टनर जिसकी औकात नहीं है वो पार्टनरशिप में ऐड हो सकता है, एंड आई डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन. आर यू विद मी? हम लोग ने सेम कंसेप्ट पढ़ा था रजिस्ट्रेशन में, कोई न्यू पार्टनर ऐड होता है तो इन ओल्ड पार्टनरशिप एक्ट हर पार्टनर इन्फॉर्म करेगा LLP को ऑफ एनी चेंज इन नेम और एड्रेस विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज. बराबर ना? अरे आपका DPIN जब बनता है तो आपका आधार पैन सब सबमिट करना पड़ता है ROC के पास और LLP के पास. बराबर ना? सो दैट यू कैन बी ट्रेस्ड एंड हंटेड डाउन इन केस यू कमिट फ्रॉड्स. LLP शैल वेयर पर्सन बिकम्स पार्टनर और पर्सन सीजेस टू बी पार्टनर, ROC को बताएगी कितने दिन में? 30 डेज. अरे LLP विल टेल हूम? ROC. नो प्रॉब्लम एट ऑल. When there is any change in the name or address of partner, again ROC को notice देना within 30 days. A notice filed with registrar shall be in such form with such fee as prescribed, be signed by the designated partner of LLP. If it relates to incoming partner, shall contain statement of the incoming partner कि भाई मैं consent करता हूँ LLP में partner बनने को, नहीं तो अपने दोस्त को जबरदस्ती partner बना दोगे. वो बोलेगा वो भाई मैं कब पार्टनर बना? नहीं, इसने बना दिया, आपका आधार पैन फाइल कर दिया इसने. ऐसा नहीं हो सकता ना. सेम रूल विद कंपनी. इफ यू वांट टू बी डायरेक्टर यू हैव टू गिव योर कंसेंट दैट आई एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. नहीं तो आप और मैं हम मीटिंग होल्ड करके हम मुकेश अंबानी को बना देंगे पार्टनर, रतन टाटा जी को बना देंगे. हाँ, और बन गए पार्टनर. कोई भी किसी को बना देगा ना. ऐसा नहीं होता, उनका कंसेंट लगता है. क्या लोग पागल हो गए? मैंने इनको बोला था शायद मैं बनूंगा पब्लिक फंक्शन में अच्छा दिखने के लिए, टीवी में बोल दिया था शायद बनूंगा. अभी इन्होंने तो जबरदस्ती पार्टनर बना दिया. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? यस. कॉन्ट्रावेंशन का पेनल्टी कितना है मेरे को बताना? कितना पेनल्टी है? पहले पेनल्टी कितना था? 2K to 25K. और अब पेनल्टी कितना हो गया? द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर. मैंने बोला था ना डेजिग्नेटेड पार्टनर पकड़ा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर बी लाइबल विद पेनल्टी ऑफ 10,000. If the contravention referred to in subsection 1 is made by partner of LLP, such partner be liable to penalty of 10,000. Absolutely okay everyone, ठीक है? Yes. So, register the changes within 30 days. Are we in agreement? ऐसा एकदम हाइपर शॉर्ट में लिखने का, यू कैन नॉट बाय हार्ट ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस. आ रहा कि नहीं समझ में एवरीवन? एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज. नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीवन? ये एकदम सिंपल लिखने का. पार्टनर विल इन्फॉर्म इन 15 डेज. बराबर है? रजिस्टर द चेंजेस विद इन 30 डेज विद ROC, DP2, साइन. सारे कॉम्प्लायंस पे बकरा कौन होता है? DP, डेजिग्नेटेड पार्टनर. याद है ना आपको? बकरा डेजिग्नेटेड पार्टनर. तो इसी के लिए अगर ये सब का कॉन्ट्रवेंशन हुआ तो पेनल्टी किसको है मुझे बताना? डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड दैट पार्टनर ऑल्सो. एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? थोड़ा थोड़ा आया समझ में? यस. नो टॉकिंग, नो नथिंग. मैं पकड़ूंगा आपको फिर क्वेश्चंस पूछूंगा, जो क्योंकि सब असली पे सबको नहीं आएंगे शायद से, है ना? प्लीज बातें मत करो. अच्छा चलो, स्टूडेंट्स जोक्स अपार्ट, प्लीज टेल मी क्या नया अमेंडमेंट हमने यहाँ पे देखा? पहले क्या पेनल्टी थी? समथिंग समथिंग डिफरेंट अमाउंट्स थे. काय को याद रखते हो? काय को याद रखते हो? डिफरेंट अमाउंट थे पहले, और अभी अमाउंट कितना हो गया है? 10,000 रुपीज. ठीक है, थोड़ा सा और हाईलाइट करो इसको.
इसको थोड़ा पॉजिटिव कलर पे हाईलाइट करते हैं सो दैट वी रिमेंबर. अभी पेनल्टी कितनी है? 10,000. और पुराना नहीं भी याद रखा तो भी चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, पुराना थोड़ा ना कोई पूछने वाला है. ओके सो पुरानी पेनल्टीज कितनी थी मुझे बताना, 2,000 to 25,000. अभी वो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है. बोलो क्या इंफॉर्मेशन हो गई वो? इररेलेवेंट. तो नहीं भी पढ़ी तो भी चलेगा. मैं टीचर हूं ना, मेरी ड्यूटी है नोट्स इस तरीके से बनाना कि हेल्प हो, बट तुम्हें थोड़ा याद रखना है. यू रिमेंबर 10K अगर एड्रेस चेंज, नेम चेंज, एडिशन ऑफ पार्टनर, ये सब रजिस्टर नहीं किया तो 10K पेनल्टी. बोलो किसको पड़ेगी? ऑन दोस डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय डीपी को बैठेगा, और अदर केस पे पार्टनर ग्रुप को बैठेगा. अभी पार्टनर ने एलएलपी को नहीं बताया तो उसमें डीपी की गलती नहीं है ना यार. एक मिनट, पार्टनर पहले एलएलपी को बताएगा, एलएलपी आरओसी को बताएगी ना यार. तो एलएलपी आरओसी को बताएगी तो डीपी साइन करता है. अब पार्टनर ने एलएलपी को नहीं बताया तो डीपी बोलेगा, अरे यार मैं क्या लोगे घर पे जाके देखू क्या कहा रह रहे कहा नहीं. एक मिनट, काम धंधे नहीं मेरे को, एलएलपी भी रन कर रहा हूं, बकरा भी बन गया हूं यहां पे. हाँ, आपको समझा ना लॉजिक. इफ यू डोंट टेल मी अप फ्रंट दैट इज योर प्रॉब्लम, इसके लिए उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट हुई है. आपको समझाना है एवरीवन. फ्रॉड की सेक्शन में अब तक हम आए नहीं है. चलो सेक्शन 26 में हम आ गए. पार्टनर एज एजेंट, कम ऑन यार, एवरी पार्टनर इज एजेंट पी ऑफ एलएलपी नॉट अदर पार्टनर्स. आपको याद है म्यूचुअल एजेंसी, आप मेरे एजेंट मैं आपका एजेंट. यहां पे आप मेरे एजेंट नहीं हो, आप एजेंट हो पार्टनरशिप के, मैं भी एजेंट हूं पार्टनरशिप का. इससे मेरा एलिजेंस पार्टनरशिप का आ जाता है. और यू डोंट बिकम लाइबल फॉर टॉट ऑफ अदर्स. एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, एलएलपी इज नॉट लाइबल फॉर अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ पार्टनर. एलएलपी इज लाइबल अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पार्टनर ने कुछ किया. एन ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी बी सोन ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी शैल बी मेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी. इजी? यस. ओके सेक्शन 30 तक हम जा रहे हैं. एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर एलएलपी ऑब्लिगेशन. पार्टनर मे बी पर्सनली लाइबल फॉर ओन रॉन्गफुल एक्ट ऑर ओमिशन, पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑर ओमिशन ऑफ अदर पार्टनर. बहुत इजी आई थिंक ये पॉइंट्स. अगर मैंने कुछ गलतियां की है बिजनेस में, आई मे बी लाइबल फॉर इट इफ इट इज नॉट एज पर प्रोटोकॉल. मेरी फर्म का रूल है लिखा पढ़ी में करो, मैंने ओरली कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिया और फर्म का लॉस करा दिया, मेरी गलती है, मेरा एक्ट और ओमिशन है ना. हाँ, अगर लिखा पढ़ी में किया और मार्केट में उतार चढ़ाव प्राइस फ्लक्चुएशन आ गया तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का लॉस है, तो मैं लाइबल नहीं हूं, पार्टनरशिप लाइबल है. मेरी पार्टनरशिप का काम है चावल बेचना खरीदना, चावल की मार्केट में उतार चढ़ाव आया तो लॉस हो सकता है कि नहीं? हो सकता है. मैंने लॉस को मिटिगेट करने के लिए चावल बेच दिया, नहीं तो चावल सड़ जाता, चूहे खा रहे थे उसको, तो ये लॉस हुआ मेरी वजह से हुआ, बट नॉर्मल कोर्स में हुआ, सबसे होता है. तो इसके लिए मैं लायबल नहीं, इसके लिए एलएलपी लायबल है. आर यू कंफर्टेबल विद दिस होल्डिंग आउट? यू ऑलरेडी नो मुकेश अंबानी रूल. याद आ रहा है क्या? मुकेश अंबानी ने आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर ने बोला, अरे आप पार्टनर हो? मुकेश अंबानी ने बोला हे, तो ही बिकम्स पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ही शुड स्टॉप फ्रॉम कंटेंडिंग दैट ही इज अ पार्टनर. समझ में आया ना? तो इफ ही डज नॉट स्टॉप, इफ ही कंटेंट्स टू बी पार्टनर, इफ ही होल्ड्स आउट टू बी पार्टनर, ही विल बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर. द रूल ऑफ एस्टॉपल. ओके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड. चलो अब देखते हैं फ्रॉड में क्या हो रहा है. इन केस ऑफ फ्रॉड, इन द इवेंट ऑफ एक्ट कैरिड आउट बाय एलएलपी और एनी ऑफ द पार्टनर विद द इंटेंट टू डिफॉल्ट क्रिएटर ऑफ एलएलपी और फॉर फ्रॉडलेंट पर्पस, द लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड द पार्टनर हु हैव एक्टेड विद द इंटेंट टू डिफॉल्ट क्रेडिटर shall be unlimited. Did you understand? However, in case such LLP, such act is carried out by partner, the LLP is liable to same extent as partner unless it is established by the LLP that the act was without knowledge or authority of LLP. Partner ne dhokha dhadi ki LLP bhi liable hai, but agar LLP ne partner ko email kiya ki aisa unauthorized kaam nahi karna, phir bhi usne kiya to partner liable. You must understand one thing in corporate wheel or separate legal status. कंपनी को भी 1000% सेम प्रोविजन अप्लाई होती है. नॉर्मल कोर्स में नॉर्मल काम करते हो जो कंपनी ने ऑथराइज किया और वो फ्रॉडलेंट है तो कंपनी खुद लायबल है. बट अगर कंपनी ने वो काम करने से मना किया फिर भी आपने किया तो देन
आपकी लायबिलिटी है। नॉर्मल कोर्स में कंपनी लायबल है, बट कंपनी ने मना किया और आपने अनऑथराइज काम किया तो आप लायबल हो। यू डू एट योर ओन पेरिल। इज दिस ओके एवरीवन? वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन विद द इंटेंट फॉर सच पर्पस एज मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1, एवरी पर्सन नोइंगली अ पार्टी टू कैरी ऑन ऑफ बिजनेस ऑफ द मैनर अफोरसेड बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट विच कैन एक्सटेंड टू 2 years विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 कैन एक्सटेंड टू 5 lakh। उसको उन्होंने 5 year पनिशमेंट कर दिया। दैट्स इट। इंप्रिजनमेंट 2 साल का था ना, उसको कितना कर दिया बोलो? 5 years। दैट्स इट, खत्म। बाकी क्यों पढ़ने का? दैट्स इट। ओके यस सर। यू कैन नॉट बाय हार्ट एवरी सेक्शन। हाँ, पागल जैसा बिहेव मत करो। हर सेक्शन आप बाय हार्ट नहीं कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता, टाइम नहीं है। लिसन टू मी। एम लॉ का पेपर कितने मार्क्स का है? एम लॉ का पेपर कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का है। विच आर बहीमत चैप्टर्स, बहीमत जाइगेंटिक चैप्टर्स कौन से बताओ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, ठीक है। उसके बाद में आती है सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप, और लास्ट में चिंटू एक्ट आती है। ये चिंटू एक्ट है। एक मिनट, अब इसको कितना पढ़ोगे? इसका वेटेज कितना है? खुद एक मिनट, डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट। यू हैव लेटेस्ट 5-6 सजेस्टेड? यू डू टेल मी। फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। हाँ, डेफिनेटली आएगा और स्कोरिंग होगा, और नहीं किया तो नहीं स्कोर होगा, बरोबर है। बट इतना बस हो गया ना यार। पहले कितना था? 2 years, अभी कितना है? 5 years। काय के लिए? फ्रॉड के लिए। कौन फ्रॉड कर रहा है? भूत पार्टनर कर रहा है। बस, बाकी क्या मतलब? यहां लॉयर थोड़ा ना बनने आए, सीए बनना है अपने को। इतना बस हो गया। आर वी इन एग्रीमेंट? यस। इसी के लिए टीचर होता होगा। चलो, अब ये जरूरी है। अब आगे चलते हैं। विसल ब्लोइंग, ध्यान से सुनो। कभी कभी पार्टनरशिप में गलत काम हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। जो पार्टनर आके चुगली करता है और खबरी बनता है, उसको कोर्ट ट्राइबल प्रोटेक्ट करेगा और उसको इम्यूनिटी दे सकते हैं। तू तेरे पार्टनर के फ्रॉड के खिलाफ तू गवाही दे और तेरे को कुछ नहीं करेंगे। ऐसा विसल ब्लोइंग इम्यूनिटी अलाउड है? अलाउड। आर यू ओके विद दिस? इसको विसल ब्लोइंग एथिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। कोर्ट और ट्राइबल कैन रिड्यूस और वेव द पेनल्टी अगेंस्ट पार्टनर और एम्प्लॉई जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताता है अबाउट रॉन्ग डूइंग। एनी डाउट? एनी डाउट? कम ऑन, डाउट है? विसल ब्लोइंग डाउट? सेम विद कंपनी। अगर आप हमें खबर दे दोगे अपने भाई बंधुओं के बारे में, आपको छोड़ देंगे। पूरा कन्विक्शन होना चाहिए उनका, पूरा प्रूफ देना है, कन्विक्ट करवाना है उनको। नहीं किया तो आप भी जेल में। आपने नहीं देखा क्या मूवीज में? उसको रैटिंग आउट बोलते हैं। रैट, रैट बोलते हैं उसको जो चुगली करता है भाई बंधुओं के बारे में। तो लोग मर जाते हैं बट चुगली नहीं करते, रैट। ना, बहुत आपने मूवीज में देखा होगा। यस, बट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी इट इज गुड ना। खबरी बनना है, अच्छी चीज होती है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। हर कंपनी को ऑडिट कंपलसरी है, पार्टनरशिप को ऑडिट कंपलसरी नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है। मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू कंपनी में ऑलरेडी सिखा दिया था। मुझे एक बात बताना कि क्या क्या आपको कंपाइल करना है। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपाइल करना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। एक कंपनी का तो आपको याद होगा ना, शेड्यूल 3 फॉर्मेट पीएनएल, शेड्यूल 3 फॉर्मेट बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, याद आ रहा है कि? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इनको क्या फाइल करना है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी 6 months। File statement of accounts and solvency with ROC. The accounts of LLP be audited in accordance with rules. और अगर failure हुआ तो penalty है. Is this okay everyone? Yes. Annual return आपको file करना है within 60 days from the end of financial year with ROC. और अगर failure हो गया तो penalty है. इसमें amendments है everyone. चलो देखें amendments. Yes. Very good. Okay everyone. So far so good. हमने amendments भी लिख दिए. Now everyone, 34th, section 34, काफी important amendment है। तो everyone, मुझे एक बात बताना कि maintenance of books of accounts, records and audit, तो proper books of accounts maintain होगी। अब books of accounts में क्या क्या होता है आपको तो पता ही है, ठीक है। मैं नीचे चला गया। उसके बाद में everyone, statement of accounts and solvency आपको maintain करना होगा। every LLP shall within a period of 6 months prepare statement of solvency accounts.
तो ये बहुत जेनरिक इन्फॉर्मेशन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीवन, ठीक है, जो हमने जस्ट अभी पढ़ भी दिया शॉर्ट में. बट अमेंडमेंट सर क्या आया है, एनी एलएलपी व्हिच फेल्स टू कॉम्प्लाई विद द प्रोविजन सच एलएलपी एंड बकरे डेजिग्नेटेड पार्टनर बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ ₹100 ईच डे ऑफ डिफॉल्ट मैक्सिमम 1 lakh rupees फॉर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड 50,000 फॉर ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर. एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विच फेल्स टू कॉम्प्लाई द प्रोविजन्स ऑफ 1, 2, 4 सच लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 विच कैन एक्सटेंड टू 5 lakh एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन नॉट लेस देन 10,000 बट विच कैन एक्सटेंड टू ₹1 lakh. I'll be very honest with you, not every penalty you can buy heart. Not every penalty. तो जितना आपको याद रह रहा उतना याद रखो. मुझे ऐसा लगता है ऊपर की सेक्शन जहां पे इंप्रिजनमेंट हमारा हो गया था कितने से, पहले कितना था 2 years और अब कितना हो गया 5 years. सिंपल थिंग्स यू कैन रिमेंबर, कुछ तो उतना याद रख सकते. यस, सो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं ईच एंड एवरी पेनल्टी तो याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यस आप ट्राई कर सकते हो जो बेसिक पेनल्टी एटलीस्ट उतना याद रखो. सो टेल मी एवरीवन, ऑल द पेनल्टी पर्टेनिंग टू अकाउंट्स एंड ऑडिट, टेल मी क्या फेलियर था पहले, व्हाट वाज द फेलियर अर्लियर, फाइन ऑफ 25,000 टू 5 lakh और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनको फाइन ऑफ 10,000 टू 1 lakh. और अभी देखिए फेलियर का फाइन कितना है, एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इट फेल्स टू कॉम्प्लाई देन सच लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप डेजिग्नेटेड पार्टनर बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 100 ईच डे. ओके एवरीवन, सो फेलियर का फाइन लिख दूं मैं ₹100 ईच डे. सबसे पहले मैं ऐसा लिखूंगा एलएलपी, एलएलपी को फाइन कितना है बोलो, 100 ईच डे इनटू ब्रैकेट मैक्स, बोलो मैक्स कितना है, फॉरगॉट ₹1 lakh. सेम कॉपी पेस्ट, बोलो डीपी को फाइन कितना होगा, गुड, डीपी को भी फाइन होगा ₹100 ईच डे बट मैक्सिमम, मुझे ऐसा लगता है 50 के था ना, फॉर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड 50,000 फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर. भारी है एवरीवन, भारी भारी, अच्छा ध्यान है तुम लोग का. और सुनो ना, फनी बात ये, मुझे याद नहीं रखना, मैं तो अगले बैच में देख के सिखाऊंगा. आपको पता है क्या, मुझे अनविलिंगली मुझे याद हो जाता है, जैसे अभी याद हो गया मुझे, आई ट्राई नॉट टू रिमेंबर इट डिलिबरेटली बट स्टिल हो जाता है. और आपको तो याद रखना है, सी हम टीचर्स को बुक से और स्क्रीन से सिखाना है, सो आई डोंट हैव टू बाय हार्ट. दिस इज नॉट आदम बाबा, मैं फॉरेस्ट में वृक्ष के नीचे नहीं बैठा, ओ पूरा रिकॉल करा, अरे भाड़ में क्या, मैं बुक से सिखाऊंगा. बट तुम लोगों को तो पेपर देना, ऐसे क्या कर रहे हो, ध्यान दो, चलो चलो ध्यान दो, ठीक है. एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इट फेल्स टू कॉम्प्लाई विद अ प्रोविजन बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल बी नॉट लेस देन 25,000 रुपी विच कैन एक्सटेंड टू 5 lakh एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी पनिशेबल with fine that shall not be less than 10,000 rupees but it can extend to 1 lakh. okay, अभी हम एक काम करते हैं, subsection 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 4 का कौन सा है, एक बार देख लेते हैं. so बताओ 1 क्या था, maintain books of accounts either on cash or accrual basis as per Fra Luca's double entry system, है ना, maintain at registered office, बराबर है कि नहीं everyone. तो ये था 1. 2, every limited liability partnership shall within a period of 6 months prepare statement of accounts and insolvency, barabar hai. Aur kaun sa tha, 4 na, 1, 2 and 4, barabar na everyone. Yes, bhari reply karte tum log. Subsection 1 kaun sa hai, accounts. Subsection 2 kaun sa hai, solvency statement. Aur subsection 4 kya bolti hai, the accounts be audited. This is okay everyone, okay, yes. Aur subsection 3 kya bol rahi thi, that within the prescribed time the statement of accounts and solvency you have to submit with registrar along with such fees as prescribed. okay, chalo ye dekho everyone, mujhe ek baat batana,
कि जो पहला वाला हमने फेलियर पढ़ा था वो किस चीज का फेलियर है मुझे बताओ, फेलियर ऑफ सबसेक्शन वन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया. नंबर टू, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट नहीं बनाई. एंड नंबर फोर, नीचे हमें कट करके नीचे ले रहा हूं, नंबर फोर द अकाउंट्स का ऑडिटिंग नहीं किया, तो वो चीज का फेलियर है. और अभी हमने कौन सा फेलियर पढ़ा, सबसेक्शन थ्री, फाइल नहीं किया स्टेटमेंट विथ आरओसी. आप लोगों को समझ में आया क्या एवरीवन? बोलो फेलियर सबसेक्शन थ्री मतलब कि क्या, नॉट फाइल्ड विथ आरओसी. आई होप एवरीवन इज विद मी. और अगला फेलियर कौन सा था, अगला फेलियर कौन सा था मुझे बताओ, दूसरा वाला फेलियर. दूसरा वाला फेलियर है नंबर वन, अकाउंट्स नहीं बनाए, है ना. नंबर टू, नंबर टू सॉल्वेंसी स्टेटमेंट नहीं बनाई. नंबर फोर ऑडिट नहीं किया. अब ये तीन चीज नहीं की तो थोड़ी और डेंजरस पेनल्टी है. सौ सौ रुपया तो टाइम पास है, सौ रुपया क्या है, कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट अ स्लैप, नॉट इवन ऑन द रिस्ट, ऑन द जस्ट फिंगर टिप्स. क्या है, सौ रुपया. एलएलपी वाला कोई भी पार्टनर उठा के सौ रुपया दे देगा अपनी जेब से, है ना एवरीवन. आपको एक चीज पता है क्या, आई गेट वेरी एंशियस जब भी मेरे यहां पे ऐसा कुछ होता है कि यार टीडीएस का लेट पेमेंट हो गया है या आरओसी के रिटर्न्स नहीं गए. आई गेट वेरी एंशियस. मेरे सीएससीएस दे आर सो रिलैक्स्ड. अरे कुछ नहीं होता सर, यू आर नॉट इन डिफॉल्ट. मैंने बोला अरे आई एम इन डिफॉल्ट ना यार, दस दिन हो गए यार, दस दिन लेट हो गया, क्या कर रहे हो. नहीं नहीं सर कुछ नहीं होता, यू आर नॉट इन डिफॉल्ट. पनिशमेंट तो नहीं किया ना आपने, किया ना वो काम. दे आर सो रिलैक्स्ड. सो ऐसा एटीट्यूड होता है. आई हैव सीन पीपल कॉम्प्यूट कि अगर आज काम नहीं किया और वेकेशन पे चले गए दस दिन, आई एम नॉट किडिंग, पीपल डू इट इन इंडिया. आज वेकेशन पे दस दिन चले गए तो कितना मेरे पे लाइबिलिटी आएगा, 2000 का आएगा. आई एम रेडी टू फेस दैट लाइबिलिटी रादर देन वर्क ओवरनाइट टुडे. मेरे को नहीं करना काम, दे जस्ट लेट इट गो, भाड़ में गए, दस दिन की बात करेंगे. ओके एनीवेज चलो मुझे बताओ, अगर सबसेक्शन वन टू और फोर इसका आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो क्या पनिशमेंट होगी. LLP be punished with fine which shall not be less than 25k, it can extend to 5 lakh. Oh my god, bolo kya fine hai mujhe batana. LLP fine 25k to 5 lakh. Damn. Next, designated partner shall be, main guess karu isse thoda kam hoga. LLP ko zyada fine, DP individual banda hai na to usko thoda sa kam fine. तो डीपी को लेट अस सी कितना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 बट इट मे एक्सटेंड टू 1 lakh. सो डीपी को कितना फाइन है बोलो, 10k टू 1 lakh. दिस इज ओके एवरीवन, आई कंप्लीटली एग्री विद यू. इसको याद रखना, नॉट दैट इजी बट ट्राई करना है. चलो मुझे बताना किस चीज का फाइन है, नॉट फाइल्ड विद आरओसी. आरओसी के पास क्या फाइल नहीं किया आपने, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी. बोलो क्या फाइन है, 100 rupees पर डे मैक्सिमम 1 lakh. और डीपी को फाइन कितना है, 100 पर डे मैक्सिमम 50. ओके और मुझे बताना अगर फेलियर हो गया पॉइंट नंबर 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 4, मतलब कि अकाउंट्स नहीं बनाए, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी नहीं बनाया और ऑडिट नहीं किया, तो कितना फाइन होगा एलएलपी को, 25k टू 5 lakh. और डीपी को आपको पता है ना फाइन कैसे डिटरमाइन करती है अथॉरिटीज, ये केस में आरओसी कैसे डिटरमाइन करेगी, देर आर वेरियस पैरामीटर्स. जैसे कि आर यू रिपीट ऑफेंडर, हर साल ही ऐसा कर रहे हो क्या. नंबर टू, एलएलपी का साइज कितना है. नंबर थ्री, सोसाइटी को उससे लॉस कितना हुआ है. ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उससे फाइन डिसाइड होता है. Did you understand everyone? वो रेंज देके रखते हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम डिफॉल्टर हो, ब्रांड न्यू एलएलपी है, तो थोड़ा सा आपको स्लैप ऑन द रिस्ट कर देते हैं. Is this okay everyone? चलो चले सेक्शन 34A पे, न्यू सेक्शन 34A. आई होप everyone is ready. सेक्शन 34A, नया सेक्शन. बोलो क्या है नया सेक्शन, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. अर्लियर ये जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स थे, ये पूरे सीए इंस्टीट्यूट के कंट्रोल में थे.
अभी भी हम ही बनाते हैं, सीए की इंस्टीट्यूट बनाती है, आईसीएआई बनाती है, बट अगर आपको पता नहीं है तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन गवर्नमेंट ने बना दिए, जिनका नाम है NFRA. वी हेट NFRA, फॉर द रिकॉर्ड बाय द वे, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, याद रखना कौन है अपना दुश्मन, NFRA. एक्चुअली वी आर द एपेक्स बॉडी ना, ICAI इज द एपेक्स बॉडी फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, बट हमारे ऊपर किसको डाल दिया है, NFRA, एक बॉडी को डाल दिया जो ऑडिटर के ऊपर क्रैक डाउन करेंगे जो गलत काम करेंगे. एक्चुअली गुड फॉर इकोनॉमी, बट प्रोफेशनली स्पीकिंग हमने गलत काम नहीं किया तो भी कुछ गड़बड़ हो सकती है. ऑफकोर्स हम अपना जस्टिफिकेशन देंगे फिर और अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, बट स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद NFRA, समझा कि आपने को साइड ट्रैक किया, इट शुड बी इन कंसल्टेशन विद ICAI है ना, समझा क्या, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 100 ऑफ कंपनी एक्ट प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एज रिकमेंडेड बाय, कंसल्टेशन विद NFRA रिकमेंडेड बाय ICAI. एवरीवन इज दिस ओके, एवरीवन ओके, सरल भाषा में लिखो सीजी इन इन कंसल्टेशन विद NFRA. बोलो क्या कर सकती है सीजी, प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब, बोलो क्या प्रिस्क्राइब करेगी, हाय एवरीवन, हेलो, क्या प्रिस्क्राइब करेगी गवर्नमेंट अपने को, नंबर वन AS, AS मतलब कि क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड नंबर टू SA, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, दिस इज ओके एवरीवन, एकदम थोड़ा क्रूड वे में मैंने लिखा है ताकि थोड़ा सा अपने को याद रहे वैसा. ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये स्टैंडर्ड एब्रिवेशन है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना, एज रिकमेंडेड बाय ICAI. क्या सेंटेंस है, कंसल्टेशन विद NFRA रिकमेंडेड बाय ICAI, ऊपर नाम किसका आया, NFRA, लड़ी NFRA क्या है, सुनना एवरीवन, एवरीवन अगर 10 मार्क के क्वेश्चंस आ गए यू विल विन ना, यू विल विन, क्या कर रहे हो. अच्छा इसमें सर मजे की बात क्या है, वेरी इजी, ये जो AS और SA है, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और SA मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये जो AS और SA है ये कंपनी के लिए कंपलसरी थे, अभी LLP के लिए कर दिए, तो LLP को प्रॉपर बॉडी कॉर्पोरेट बना रहे, मतलब ये जो सारी चीजें ऐड की कंपनी एक्ट की शैडो है पूरी, वी आर जस्ट ट्रीटिंग LLP लाइक अ कंपनी, बट वेरी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड प्रोविजन है. कंपनी में लिखा है एवरी कंपनी को कंपलसरी अडॉप्ट करना, यहां पे क्या लिखा है, इन कंसल्टेशन एज रिकमेंडेड ब्ला 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 प्रिस्क्राइब, ओके ओके एवरीवन, ठीक है, यस ओके. आपने ये वाला अमेंडमेंट लिख दिया ना, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखो मैंने कैसे शॉर्ट में पूरा लिखा है, 1 2 3 4, और नंबर 5 क्या है, फेलियर, और उसके बाद में मैंने यहां पे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड वाला सेक्शन डाल दिया. मैं आगे चला गया, एनुअल रिटर्न, इफ एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फेल्स टू फाइल एनुअल रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1, एनुअल रिटर्न फाइल करना विद इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज, ये पढ़ के भी आपको बताया था ना मैंने अभी, ये देखो ना 60 डेज लिखा है ना, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ FI विद ROC, काफी शॉर्ट में ऑलरेडी मैंने बना के लिखा है, गुड. इफ एनी LLP फेल्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, सच लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड DP शैल बी लाइबल विद पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज फॉर द LLP एंड 50,000 फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर. ए आई थिंक ऐसा एग्जैक्ट सेम 100 रुपीज वाला, 1 लाख और 50,000 वाला अपन ने ऊपर लिखा था, सो आई थिंक दिस शुड बी इजी टू रिमेंबर.
जस्ट अभी हमने लिखा था। हाँ हाँ ये सेक्शन 34। कॉपी पेस्ट। चलो अच्छा, बाय द वे डियर स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग इज ऑन। बोलो फेलियर पे क्या होने वाला है, एलएलपी को कितना फाइन होगा? ₹100, 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ F5 विद ROC क्या फाइल करना है? एनुअल रिटर्न। और अगर फेलियर हो गया तो एलएलपी को फाइन कितना है? ₹100। और डीपी को कितना फाइन है? ₹100, बकरे को 100 फाइन। बट एलएलपी 1,00,000 पेनल्टी मैक्सिमम बेयर करेगी और डीपी 50,000। ओके ना एवरीवन। चलो यहां पे भी मैंने अमेंडमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया। वी आर जस्ट अबाउट टू बी डन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल अंडर एलएलपी एक्ट एस्टैब्लिश और डिजाइनेट एज मेनी स्पेशल कोर्ट्स एज मे बी नेसेसरी। स्पेशल कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ सिंगल जज होल्डिंग द ऑफिस एज सेशंस जज और एडिशनल सेशंस इन केस ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द एक्ट विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन द केस ऑफ अदर ऑफेंसेस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये लेवल पे हम नहीं जा सकते। दिस इज टू मच। स्पेशल कोर्ट में कौन से जज कौन सी पेनल्टी के लिए होंगे? दिस इज जस्ट टू मच एट फाउंडेशन लेवल। दे हैव जस्ट गिवन द प्रोविजन इन न्यूज़पेपर। यू आर नॉट सपोज टू चार्टोफाई द न्यूज़पेपर। तो मेरे को क्या लगता है, स्पेशल कोर्ट यहां तक याद रखो, बिकॉज यू डोंट इवन नो वॉट इज अ सेशन, एडिशनल सेशन, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एक्सेट्रा। वो सिखाने के लिए मुझे आपको आईपीसी सिखाना पड़ेगा, अभी सीआरपीसी आईपीसी बताना पड़ेगा, उसके चार्ट है मेरे पास, बट दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। Neither are we doing CS nor are we doing law. We are doing CA. CS के syllabus में है ये, executive level. 67B, procedure and power of special court. Notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure. मैंने बोला ना, criminal procedure and CIPC. All the offences under subsection 1 of section 67A, special court वाले, shall be triable only by special court. अगर special court हमने डेजिग्नेट कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, तो सारे एलएलपी के ऑफेंस स्पेशल कोर्ट देखेगा ना, बाकी कोर्ट क्यों देखेंगे? तो उनका ज्यूरिसडिक्शन के बाहर होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। व्हाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर द एक्ट द स्पेशल कोर्ट में आल्सो ट्राई द ऑफेंस अदर देन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विद विच द अक्यूज्ड में अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बी चार्ज्ड एट सेम ट्रायल नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द स्पेशल कोर्ट इफ इट थिंक्स फिट ट्राई इन समरी वे। ओके ओके ठीक है, ये टू मच इंफॉर्मेशन इज गिवन, वी कैनॉट स्टडी दिस। तो वॉट आई विल डू, ये जो सेक्शन है क्रिमिनल लॉ बेस्ड, जो हमें सिविल लॉ में ज्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ये बस हम सेक्शन का मेन हेडर याद रखेंगे, अदरवाइज यू विल गो मैड इफ यू टेल मी टू बाय हार्ट दिस सेक्शन। यार मैं खुद याद नहीं रखता हूं। इज दिस ओके एवरीवन? फाइन। चलो अब हम लोग आ गए सेक्शन 55 में, फिर स्पेशल कोर्ट की 67A, B, C हम हेडर लिख के लेंगे, उतना आपको याद रखना। एग्जाम में आ गया उतना लिखना, उससे आगे आप नहीं लिख सकते। तो 5 mark का क्वेश्चन आ गया, तो यू विल राइट 1-2 lines विद विच आउट ऑफ 5 यू विल गेट 1 mark or 2 mark। अगर आया तो रिमेनिंग 3 marks यू विल लेट गो, बट विद कॉन्फिडेंस कि मैंने फुल अटेम्प्ट पेपर किया, मैंने आंसर में लिखा, मुझे पता है सेक्शन 67 पर्टेन्स टू स्पेशल कोर्ट अंडर एलएलपी एक्ट। Are we okay with this? Yes, we cannot go there. Is this fine? Chalo. Conversion from firm into LLP. Kya ek partnership firm ko LLP mein convert kar sakte hain? Yes. Conversion from private company into LLP. Kya hum private company ko LLP mein convert kar sakte hain? Yes. Conversion from unlisted public company into LLP. So again hum log kar sakte hain. Mujhe batana firm into LLP refer to second schedule. Conversion of private company into LLP, third schedule. Unlisted public company into LLP, fourth schedule. Registration and effect of conversion. From the date of conversion, a new entity comes into force, whether it be LLP or a new company, etc. Is this okay, everyone?
फॉरेन एलएलपी. तो व्हाट इज अ फॉरेन एलएलपी? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया अंडर एलएलपी एक्ट आउट ऑफ अदर कंट्री बट डूइंग सम बिजनेस इन इंडिया. मुझे मेरे एलएलपी को वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन करना है. बोलो, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है? या तो वॉलंटरी हो सकता है और बाय द ट्राइब्यूनल. इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? ट्राइब्यूनल इज अ टाइप ऑफ अ स्पेशल एंटिटी विच इज जस्ट लाइक अ कोर्ट. इट इज नॉट कोर्ट. इट इज जस्ट लाइक अ कोर्ट. इट इज नॉट कोर्ट. इज दिस ओके एवरीवन? विच ट्राइब्यूनल आर वी टॉकिंग अबाउट? द ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड द नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी. इज दिस ओके एवरीवन? चलो, सेक्शन 64. क्या सर्कमस्टेंस है जहां पे एलएलपी में भी बाउंड अप? पढ़ेंगे हम. आर यू रेडी? वी आर इन सेक्शन 64 नाउ. जो मॉड्यूल में दिया कन्वर्जन के बारे में बता दिया. सीएस एग्जीक्यूटिव के सुंदर नोट्स है मेरे पास कन्वर्जन का, पूरा स्टेप 3 पेजेस का. ठीक है, 10 to 18 points. किसी को भी चाहिए होंगे तो यू कैन आस्क फॉर इट. बट मुझे क्या लगता है, लेट अस बी स्मार्ट अबाउट इट, है ना एवरीवन? चलो, कंडीशंस. एलएलपी में बी वाउंड अप बाय ट्राइब्यूनल इफ एलएलपी डिसाइड्स दैट इट बी वाउंड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months, नंबर ऑफ पार्टनरशिप लेस देन 2 हो गया. याद आ रहा है क्या? पार्टनर 2 चाहिए. पार्टनर अगर 2 से कम हो गए और 6 months का टाइम पीरियड, 6 months क्या क्या हो जाता है? सोल प्रोप्राइटर बिकम्स पर्सनली लायबल. यू रिमेंबर ना? एलएलपी इज इनसॉल्वेंट, अनेबल टू पे इट्स डेट्स. द एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सफिशिएंटिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. उन्होंने चाइनीज पबजी के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में गेम्स निकाले. पबजी बैंड है ना? एग्जैक्टली. LLP has made default in filing with registrar the statement of accounts insolvency for any 5 consecutive years, or the tribunal is of the opinion it is just and equitable that LLP be wound up. Central government will make rules for winding up. Everyone, winding up ke notes abhi tak maine likha tha refer notes, but now I am adding it. Okay, winding up is important. Yaad rakhna, kya pata 5 mark ko aa jaye. I am adding the notes. मुझे बताना कि अगर रूल्स बनाने वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के लिए कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. हमारे माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम. इज ओके एवरीवन? बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ पार्टनर विद एलएलपी. पार्टनर इज अ सेपरेट पर्सन, एलएलपी इज अ सेपरेट पर्सन. पार्टनर कैन इंटरैक्ट विद एलएलपी एज सेपरेट पर्सन. So LLP can enter into loan other transactions with partner. Is this okay everyone? As if LLP out, as a partner outsider. All right everyone. Application of provision of Company Act. Hum section 67 mein aa gaye. The central government may by notification in official gazette direct that any provision of Company Act. Abhi new Company Act 2013 hai. It can apply to LLP. Is this okay everyone? Aur abhi kaun si nayi section aa gayi zara aap log mujhe bataoge? सेक्शन 67 ए, उसके बाद में एक लाइन ब्लैंक छोड़ के सेक्शन 67 वो चिपका के लिखना है. अमेंडमेंट सेक्शंस बोलते हैं इसको. सेक्शन 67 सी. जरा क्या क्या लिख सकते हैं उतना उतना लिख के लेंगे. मेरी बात ध्यान से सुनो. वी आर इन अमेंडमेंट सेक्शन नाउ. 67 ए, 67 बी, 67 सी. मैं जितना बोल रहा हूं उतना याद रखो. मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम में आएगा और आप लिख पाओगे. मैं ये बोल रहा हूँ एग्जाम में आएगा और आप हेडिंग लिख पाओगे. इज दैट फेयर इनफ? यस सर. हेडिंग लिख पाओगे, ये मैं बोल रहा हूँ. वेरी फ्यू लीगल एक्सपर्ट विल बी एबल टू रिमेंबर सेक्शन 67 ए, 67 बी एंड 67 सी. दैट टू इट इज यूजलेस. मतलब If you tell me to remember TDS के 15 section, मुझे 194, section 192 और 194 income tax act याद है 15, उसके ऊपर मैं याद नहीं रखूंगा. I am not an encyclopedia, I have a chart of TDS wherein there are over 30 to 50 sections. तो मैं 15 से ऊपर क्यों याद रखूं? I will only remember important 194C, 194J, 194IH, etc. मैं सब क्यों याद रखूं? बिल्कुल भी नहीं यार. We are not here to become encyclopedia. We are here to become practitioners
of law and consultants to our clients. सही बात है कि नहीं एवरीवन? Practitioner of mercantile law, not criminal law. We are not going to be criminal law. There's not a criminal law class, LLB, LLM. बराबर है. 67 ए क्या बोलता है? स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका पर्पज होगा स्पीडी ट्रायल. आर वी कंफर्टेबल विद सेक्शन 67 ए 67 बी? क्या प्रोसीजर और पावर होगी स्पेशल कोर्ट की, वो मेंशन किया. यू कैन राइट अ सेंटेंस, सेक्शन 67 बी इलैबोरेट्स द प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट. हेडिंग लिख दी प्रोसीजर पावर. शुरू दिस सेक्शन इलैबोरेट्स और मेंशंस द प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट. दैट्स इट. सेक्शन 67 सी अपील एंड रिविजन. देखो मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है. हाई कोर्ट में एक्सरसाइज द पावर एज इफ अ स्पेशल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ सेशंस. मैजिस्ट्रेट क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट टाउन सिटी लेवल, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल. डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं सिविल लॉ में, उसी को सेशंस कोर्ट बोलते हैं क्रिमिनल लॉ में. सेशंस कोर्ट इज द डिस्ट्रिक्ट एपेक्स कोर्ट. उसके ऊपर स्टेट का एपेक्स कोर्ट होता है हाई कोर्ट, उसके ऊपर एपेक्स कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो हाई कोर्ट विल एक्सरसाइज पावर्स एज इफ स्पेशल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ सेशन, जो हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है. आया क्या समझ में एवरीवन? तो स्पेशल कोर्ट का स्टेटस इज लाइक कोर्ट ऑफ सेशंस एज फार एज द हाई कोर्ट्स अपील एंड रिविजनरी पावर गोज. अपील एंड रिविजन इज अ वे ऑफ अपर कोर्ट चेकिंग लोअर कोर्ट कि वो काम गलत तो नहीं कर रहे, बाय वे ऑफ अपील एंड रिविजन ऑफ ऑर्डर्स. थोड़ा थोड़ा आ रहे समझ में? अरे अपने ऊपर के कोर्ट अपने ऊपर चेक रख रहे हैं, तो हाई कोर्ट अपने ऊपर ऐसे चेक रखेगा जैसे अपन सेशंस कोर्ट है, बट अपन एक्चुअली स्पेशल कोर्ट है. ओके ओके. ये देखो, ये सेंटेंस मैंने कन्वर्ट किया. हाई कोर्ट में एक्सरसाइज एंड सो फार एज एप्लीकेबल ऑल द पावर्स कन्फर्ड बाय चैप्टर्स 29 एंड 30 ऑफ द सीपीसी 1937 ऑन हाई कोर्ट एज इफ स्पेशल कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट were a court of session trying cases within local limits of jurisdiction of high court. Are you going to be able to reproduce this sentence? No. मैंने simplify किया. High court will exercise power as if special court is court of sessions falling under jurisdiction of high court. खत्म. और अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा, high court to exercise power of appeal and revision. High court to exercise power, HC to exercise power. That's it. Are better than keeping the paper blank. This is okay, यार इतना नहीं आएगा यार, बस मेरा ड्यूटी है सिखाना ताकि आपको एंग्जाइटी अटैक ना आए. इतना आई मीन ठीक है. ओके नेक्स्ट हम आ गए सेक्शन 68 में, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. आपको मैंने लाइव मेरा डीएससी दिखाया था विद डीआईएन नंबर. दो दिन पहले मैंने रिन्यू किया. इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एक्सबीआरएल में फाइल होते हैं और फिर उसको हम ऑथेंटिकेट करते हैं बाय वे ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. इज दिस एब्सोल्युटली फाइन? सो लेट अस सी सेक्शन 68 क्या बोलता है. रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर एंड डिस्चार्जिंग फंक्शन कन्फर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर दिस एक्ट और रूल्स. For purpose of registration of LLP under the Act, the central government by notification established such number of registration office at places it thinks fit. अरे बाप रे, भारी ना? इतनी सारी LLP register हो रही, या तो हम provision बनाना चाहते हैं LLP registration के लिए कि हम ROCs को help कर रहे हैं. ठीक है ना everyone? Hi everyone, hello, hello, hello. कौन सा section है? Section 68. ना, बिल्कुल भी नहीं. A. सेक्शन 68 ए. ध्यान देना थोड़ा सा. सेक्शन 68 ए. मेरे को बताना क्या सेक्शन है ये. रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस. सीजी टू मेक एडिक्वेट प्रोविजन्स. एकदम शॉर्टकट में लिखा है मैंने. अभी अपन देखेंगे इसमें कुछ अपन ऐड करना चाहिए क्या, कुछ और अपने लिए सेंस मेक करता है क्या. ओके ठीक है. द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट सच रजिस्ट्रार एडिशनल रजिस्ट्रार एक्सेट्रा
the power and duty of the registrar and the terms and conditions will be as prescribed. Central government may direct registrar to prepare a seal or seals for authentication of document. सील सील कैसे बनेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है. ओके एवरीवन, ठीक है. पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, पहले पहले एवरीवन एडिशनल फी लगती थी अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लेट सबमिट कर रहे हो. देखो, एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, इफ नॉट फाइल्ड विद इन द टाइम मे बी फाइल्ड लेटर ऑन. तो लेट फीस है, लेट फाइलिंग फी. आर यू कंफर्टेबल विद दिस? अपनी सीए के इंस्टीट्यूट का होता है ना, क्या होता है, लेट एग्जाम फी. एग्जाम फी का कट ऑफ डेट ये है, बट और 7 दिन एक्सटेंड होता है. पे लेट फी 200, ठीक है ना एवरीवन? सो बोलो कितने टाइम तक लेट फी के साथ हम फाइल कर सकते हैं? 300 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन इट शुड बी फाइल्ड ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फी ऑफ 100 पर डे. आर यू कंफर्टेबल एवरीवन? अब अमेंडमेंट क्या हुआ है, एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, इफ नॉट रजिस्टर्ड फाइल विद इन द टाइम मे बी रजिस्टर्ड और फाइल्ड after that time on payment of additional fee as may be prescribed in addition to any fee payable for filing the document, provided that the return or document be filed after due date of filing without prejudice to any action or liability. Aapke upar action fir bhi liya ja sakta hai. Provided further that different fee or additional fee may be prescribed for different classes of LLPs. To jo badi LLP hogi usko 100 rupaye ki jagah 200 rupaye kar denge, 300 rupaye kar sakte hain. Aisa thoda sa government ne chhoot de diye. क्योंकि अ स्मॉल एलएलपी इज नॉट कंपेरेबल विद अ ह्यूज फ्रिगिंग एलएलपी. अरे टू पार्टनर की भी छोटी एकदम एलएलपी हो सकती है 5 लाख प्रॉफिट, एंड दे कैन बी अ फ्रिगिंग ह्यूज एलएलपी ऑफ 200-300 पार्टनर्स हैविंग 300 करोड़ टर्नओवर प्रॉफिट्स. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो यार तुम्हारे पास सीएस की बैटरी है, 10 सीएस तुमने हायर किए, फिर भी तुम लेट फाइलिंग करते हो, तो तुम्हें पेनल्टी ज्यादा हो सकती है. आई होप यू आर विद मी. और एमएसएमई एलएलपीज होगी उसको पेनल्टी कम कर सकते हैं, और स्टार्टअप एलएलपीज होगी उसको पेनल्टी कम कर सकते हैं. ऐसा बेनिफिट हम दे सकते हैं, तो थोड़ी छूट दे दी है. सो आई वुड से अमेजिंग अमेंडमेंट्स एवरीवन. ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मोटिवेशन हो जाएगा टू ऑल एलएलपीज. एक तो रूल्स को नहीं तोड़ने के लिए है ना, और दूसरी ये चीज कि ट्रेडमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा प्रोटेक्शन आपको मिल रहे हैं. आई होप एवरीवन इज विद मी. यस, चलो ठीक है. सो टेल मी एवरीवन, अभी पुराना प्रोविजन क्या था, टेल मी. 300 डेज एडिशनल फी कितना होगा, 100 फॉर एवरी डे. और अभी नया अमेंडमेंट बताओ मेरे को, सच एडिशनल फी एज प्रिस्क्राइब. अमाउंट नहीं दिया है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में प्रोविजन दी है. एंड एवरीवन विदाउट प्रेजुडिस टू अदर एक्शन. तो अगर आपके ऊपर एक्शन होने वाला है तो वह एक्शन होगा ही, उसके अलावा हम आप पे एडिशनल फाइन करेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? पहले फिक्स था 100 रुपी, अभी हम बहुत ज्यादा फाइन कर सकते हैं. To act as a deterrent to everyone. I hope this is absolutely okay, everyone. One last thing remains. हम small company की definition हर batch में check करते हैं. ये batch में भी same करेंगे. I had taught you what is the definition of small company. उसको जरा amend करेंगे. अच्छा चलो. All dear students, हमारे पास एक सुंदर amendment आई है, और पहले रिवाइज करवा देता हूं दैट व्हाट डिड वी स्टडी अबाउट स्मॉल कंपनी. आई होप एवरीवन इज विद मी. स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? हमने वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी का डेफिनेशन अर्लियर पढ़ा था, और मैंने आपको मेरे सीएस एग्जीक्यूटिव के भी नोट्स दिखाए थे, और हम लोग ने वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा था. बट ये टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर स्मॉल कंपनी मैंने लिखा था. स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी एक्चुअली विच गेट्स सर्टन प्रिविलेजेस एंड एक्सेप्शंस एग्जेम्पशंस, राइट? बिकॉज सी लॉ इतना ज्यादा कॉम्प्लायंस बेस्ड है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, जो छोटी कंपनी, उसको तंग क्यों करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, इनकरेज करना है लोगों को कंपनी खोलने से. इसीलिए स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट इंडिया में है. डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. जो बच्चे लॉ से वाकिफ नहीं है उनको काफी तकलीफ होती है डेफिनेशन में, अनलाइक ऑल ऑफ अस जो वाकिफ है लॉ से. सो द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज लाइक दिस. जो भी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना होगा,
50 लाख से ज्यादा नहीं होगा। टेल मी, मेरे इन्वेस्टमेंट कितने से ज्यादा नहीं होंगे, बोलो। 50 लाख एंड मेरा टर्नओवर शैल नॉट बी मोर देन 2 करोड़। ये जब कंपनी एक्ट 2013 लिखी थी तब की डेफिनेशन है, वो टाइम के लिए कंपनीज विद इन्वेस्टमेंट पेड अप शेयर कैपिटल पीओसी अप टू 50 लाख एंड कंपनीज विद टर्नओवर अप टू 2 करोड़। इस ये लिमिट को हम इंक्रीज करते जाएंगे एज द नीड अराइजेस, जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी। 50 लाख के नीचे की कंपनीज ही नहीं होगी ना यार। तो डेफिनेशन का अपर लिमिट दिया हुआ है, वी कैन इंक्रीज इट टू 10 करोड़ एंड 100 करोड़। आर यू विद मी? तो हमने वेरियस टाइम इसको इंक्रीज किया। एक बार हमने उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया था एज पर कंपनी डेफिनेशन रूल्स 2014, 2 करोड़ एंड 20 करोड़। और अभी का अमेंडमेंट क्या बोलता है मुझे जल्दी से बताओ, डबल 4 करोड़ एंड 40 करोड़। आई होप एवरीवन इज विद मी। यार ये आ जाए यार स्मॉल कंपनी का शॉर्ट नोट, नहीं एवरीवन शॉर्ट नोट आ जाए यार इसका, अच्छे से चीरफाड़ करके लिख देना। राइट एवरीवन, ये देखो आपके सामने मैं यहां पे चेंजेस कर रहा हूं, मुझे बताना आज डेफिनेशन कितनी है। सुना क्या, ये मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है। येलो में क्या है मिनिमम, वो डेफिनेशन जब शुरू हुई थी, और 10 करोड़ क्या मैक्सिमम लिमिट, और टर्नओवर का लिमिट कितना है 2 करोड़ टू 100 करोड़। बट उसके बीच में आज गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने, याद रखना लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंटेरियंस, लोअर हाउस अपर हाउस, एंड द बिल इज असेंटेड, इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल मैडम द्रौपदी मुर्मू। राइट, वो साइन करेगी मैडम तो ये बिल एक्ट बनते। बट एवरीवन, रूल्स को साइन करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स चलते हैं, सो इट इज इजियर टू एमेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? तो अभी का मेरे को लिमिट बताओ, चलो फिर से बताओ कितना लिमिट, 4 करोड़। जो भी कंपनी होगी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 4 करोड़, विच इज अ ह्यूज फ्रेगिंग अमाउंट यार, एंड टर्नओवर नॉट क्रॉसिंग 40 करोड़, शैल बी स्मॉल कंपनी। भारी यार, अमेजिंग अमेजिंग प्रिविलेज। One of the privileges is you don't need to hire full-time CS. One of the privileges CS need not file your annual returns because we are a CSCS class. वो point पे हम और हमारे friends company secretaries हैं, हम chartered accountants, वो company secretary. So everyone इस तरीके के privilege उनको दी हुई है। मेरी company तो करोड़ में ही नहीं, lakhs में, फिर भी मैं CS से return filing करवाता हूँ as a safety measure. मैं काहे को risk लूँ यार? I know better than anyone कि बाबा professionals hire करने चाहिए राइट काम के लिए। तो चलो यहां पे एकदम शॉर्टकट में रूल लिख दिया मैंने। पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट कितना दिया लॉ में, 0.5 करोड़ टू 10 करोड़, और आज का लिमिट कितना है, 4 करोड़। डिड यू अंडरस्टैंड? टर्नओवर का लिमिट कितना दिया लॉ में, 2 करोड़ टू 100 करोड़, और कंपनी एक्ट डेफिनेशन रूल के हिसाब से 40 करोड़। आई होप द अमेंडमेंट इज क्लियर टू एवरीवन। ये जो ग्रीन में मैंने लिखा है, ये ग्रीन में ये करंट डेफिनेशन है। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज द करंट डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी? इफ योर पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट क्रॉस 4 करोड़, योर टर्नओवर डज नॉट क्रॉस 40 करोड़, यू आर अ स्मॉल कंपनी गेटिंग द प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस व्हिच आर अवेलेबल टू स्मॉल कंपनी। सर बाय द वे, जस्ट फॉर अवर इंफॉर्मेशन, जरा बता दो कि क्या प्रिविलेजेस और एग्जेम्पशंस है स्मॉल कंपनीज को, वो भी हम देख सकते हैं क्विकली। तो मुझे एक बात बताना कि अमेंडमेंट कब का है, एज पर नोटिफिकेशन डेटेड सितंबर 2022, एप्लीकेबल टू 2023-2024 एग्जाम्स, ऑल ऑफ अस गिविंग 2023-2024 एग्जाम। एक बात बताना, कौन सी तीन कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी, आपका टर्नओवर फनओवर होने दो 2 लाख, यू कैन नॉट बी स्मॉल कंपनी। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट लाइक इंस्टेड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड एंड गवर्न्ड बाय द इंस्टेड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, और कंपनी सेक्रेटरीज की इंस्टीट्यूट ICSI इनकॉर्पोरेटेड अंडर CS एक्ट 1980, और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICICMA इनकॉर्पोरेटेड अंडर ICWI इंस्टेड ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट, और कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959।
Did you understand everyone? Yes, sir. RBI, under RBI Act 1934, SBI, LIC, IRDAI, SEBI, Security Exchange Board, all statutory corporation. They cannot be small company. कितना भी छोटा turnover exact होने दो. Absolutely okay everyone. Yes, sir. ये charts का print wind सब कुछ दे रहा हूँ. Screen पे तो आ ही गया जो भी video देख रहे और print में आप लोगों को दे रहा हूँ जो मेरे साथ class में. Okay? हो गए amendments हमारी.